Circle on today's webinar on the most awaited our Union Budget 2023, and on this subject, one and one only our brother Advocate CA Kapil Goyal ji with us. I welcome you, sir. I also welcome Sunil Dhamija ji, Sanjay Sharma ji, Kapil Agrawal ji, Rajesh Jain ji, Anand Dua ji, Hemant Pawa ji, and all the attendee on behalf of this study circle. In a brief, as you know that today the finance budget was presented by Honorable Finance Minister Sitaraman ji, and she indicate only the or she in her speech she indicate only the 5 changes. But when the budget came through WhatsApp to me, I was reading that more than 100 changes are there. मैं बाद में भेजा था, मैंने पहले भेज दिया था आपको. आपका सबसे पहले मिला सर मेरे को. देयर मोर देन 100 चेंजेस. टू नो द ऑल द चेंजेस, टाइम इज वेरी शॉर्ट, एंड बिफोर 2 or 3 डेज आई रिक्वेस्टेड कपिल जी कि प्लीज अप्राइज अस ऑन द बजट ऑन ए बजट डे. कपिल जी वाज अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम टॉकिंग फॉर आफ्टर 2-3 डेज, बट इमीडिएटली ही एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन. थैंक यू सर. एंड ही सेड कि राजेश इस बहाने मेरे को भी पढ़ने को मिल जाएगा, बट दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कपिल जी. एंड देखिएगा विद इन ए शॉर्ट टाइम कपिल जी इज विद अस, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू इंट्रोड्यूस आवर कपिल जी. कपिल जी इज नाउ नंबर 1 एडवोकेट इन द फील्ड ऑफ लिटिगेंट ऑन इनकम टैक्स, एंड एज यू नो दैट रिसेंटली more than 40-50 writ has been accepted in high court on 148-153, as Kapil ji was admitted sir, not exactly. Admitted sir. So this is the brief on this day one, and I request Kapil ji kindly address on budget. Over to Kapil ji sir. Thank you Rajesh bhai. See pehle to sir baki bihari lal ki jai ho sabko, radhe radhe, aur mang radhe radhe sab pe bani rahe sir. जही विधि हुए ना ते तुमोरा करूं सुबेगी दास मोह तोरा. राम में करूं प्रणाम सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग बानी. तो प्रभु राम की और बाकी बिहारी की कृपा राजेश भाई आप सबके बनी रहे, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्रभु की ब्लेसिंग का सोर्स जैन साहब आप लोग ही हैं दुआजी जमैया जी. तो मेरी इतनी पहुंच नहीं है, मैं तो आप लोगों की तक ही मेरी थ्रू ही पहुंच है. तो अभी का टॉपिक आज का जो हमारा डिस्कशन का मिलने का जो हमें मौका मिला है राजेश भाई के प्लेटफॉर्म से, हम मिलते रहते हैं, आज का मौका एक इम्पोर्टेंट मौका है. ये एक व्हाट यू से जैसे एक सेलिब्रेशन सा माहौल भी होता है इकोनॉमी के अंदर कि बजट आया है. आई सी देयर इज सम काइंड ऑफ फेस्टिवल मूड राजेश भाई. दोज पीपल हु आर वेरी मच एनग्रॉस्ड विद फाइनेंस मार्केट्स ना, फाइनेंशियल थिंग्स, उनके लिए फेस्टिवल मूड से कम नहीं होता है. और सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं भी होती हैं. जैसे मैं सुन रहा था सवेरे किसी को टीवी पे, जो पुराने हमारे गर्ग साहब सेक्रेटरी रहे हैं फाइनेंस में, तो ये बजट का जैसे मान लीजिए आप बजट को एकदम से रेट नहीं कर सकते कि कैसे है. ये पर्सपेक्टिव है सर कि जैसे फॉर एग्जांपल राजेश भाई की कोई चीज हो सकता है, जैसे मेरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से, एडवोकेट के पर्सपेक्टिव से क्या है, और एक बिजनेसमैन के लाला के पर्सपेक्टिव से, और उसमें भी फर्क है दुआ जी कि जो बहुत हाई एंड पे हैं और जो बहुत नीचे हैं बिजनेसमैन, उनके भी एंगल में फर्क पड़ गया. तो जैसे क्या है कि ये भी एक समीक्षा करने का विषय है सर कि हम बजट को कैसे पढ़ सकते हैं. बजट को पढ़ने के भी बहुत तरीके हो सकते हैं राजेश भाई. मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, ना मेरे में इतनी परिपक्वता है, ना मुझे अभी तक वो समझ मिली है. मैं अपने आप को ऐसे मानता हूँ कि मुझे इतना नहीं आता है बजट पढ़ना कि जैसे एक फाइन इकोनॉमिस्ट पढ़ सकता है, या एक बंदा उसको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से, एलोक्वेंट मैनर से पढ़ सकता है कि वो हर एक का एंगल बता सकता है. हम तो जैसे पढ़ते आए हैं अग्रवाल साहब बजट को ऐसे ही कि जैसे हमारा अपना सीए का एंगल क्या है, हम टैक्स कंसल्टेंट रहे हैं या हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या प्रोफेशनल है, टैक्स प्रोफेशनल. तो पर बजट के अंदर मतलब देखा जाए तो बजट को एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब पर्सपेक्टिव ही अलग हो सकता है धमीजा जी. मान लीजिए कोई आदमी देखे बजट को कि जैसे मैं देखता हूँ कि कोई बात हो रही थी सवेरे से और अभी भी न्यूज में आ रहा है कैपेक्स बढ़ गया है इतना कैपिटल. अब कैपेक्स तो हमने जो सीए में सीखा था, कैपेक्स मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. तो कैपेक्स का मतलब कि वो कह रहे कि इकोनॉमी में इतना खर्चा कैपेक्स के ऊपर होगा कैपिटल अकाउंट पे.
तो बजट को पढ़ने का राजेश भाई एक गूढ़ इकोनॉमिस्ट का नजरिया और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैक्स कंसल्टेंट का नजरिए में अंतर रहेगा, और एक बिजनेसमैन के नजरिए में भी अंतर रहेगा जो स्मॉल सेक्टर में और जो लार्ज सेक्टर में। बट एक चीज मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी सर इसमें, मैं शुरू में बोलना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल एफएम, दैट टैक्स में जैसे एक तो होता है कि कई बार राजेश भाई जैसे किसी ने कहा पुराने आदमी ने दुआ जी बड़े अनुभवी ने कि कोई न्यूज मतलब जैसे कोई खतरनाक चीज नहीं आई तो सब कुछ ठीक है चली ऑल इज गुड, ये एक तरीका हो तो बजट तो एक एक बात होगी धमीजा कि कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आया तो बात ठीक हो गया सब सब ठीक है बजट अच्छा है। और एक तरीका ये हो गया, मैं जैसे इसको एक बोलता हूँ कि एज ए एकेडमिशियन या ऑफ द सब्जेक्ट कि आज एक अपॉर्चुनिटी है उसमें ये चीज जैसे उन्होंने एक बात महसूस करी राजेश भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करें सब बात सब मेरे साथी लोग, उन्होंने ये माना है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो सीएटी अपील होता है फेसलेस अपील बन गया था उसके पास बहुत सारी अपीलें पेंडिंग है, उनको किसी ने जो भी सुझाव दिया बहुत अच्छा सुझाव दिया कि साहब आप एक अथॉरिटी और क्रिएट कर दीजिए और जिससे कि पेंडेंसी जो फर्स्ट अपीलेट लेवल पे है वो कम आ सके। हमारी इस बात पे चर्चा भी हुई है क्योंकि बहुत सारे केसेस वहां जैम हो गए। चलो एक ये तो पता चला ना, जैसे बीमारी का पता चला जैसे कि ये प्रॉब्लम है, बट मुझे संजय भाई क्या लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कि इसका सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ। जैसे उन्होंने क्या कहा कि हम जॉइंट कमिश्नर अपील जो हम पहले हमारे मेरे को लगता है जब मैंने प्रैक्टिस चालू करी राजेश भाई तब तो धमीजा जी हम लोग सीआईटी अपील को ही देखते आए हैं, मैं 2004 तक क्वालिफाइड हूं तो मेरे को जितनी मेरी अनुभव है जैन साहब पर उसमें पहले लिखा हुआ है कि जैसे पहले जब वो पुराने जमाने में डीसी अपील होता था डिप्टी कमिश्नर अपील जब पालकी वाला साहब थे तो पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ अपील्स भी होता था। हाँ तो दैट इज द पॉइंट, तो उन्होंने मेमोरेंडम में भी लिखा है इस बारे में कि हम उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें पेंडेंसी को कम करना है। मैं इसको एक दो एंगल से डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज भी है बट इसके अंदर कुछ चीजें रह गई जो हमें लगता है कि होनी चाहिए और जो आगे हम सुझाव दे पाए राजेश भाई अपने किसी भी फोरम से कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जब गवर्नमेंट को ये खुद लगता है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास असेसी के बियॉन्ड कंट्रोल रीजन की वजह से अपीलें पेंडिंग, तो उनसे पैसा मांगने के लिए जो डिपार्टमेंट कई बार स्टे में रिकवरी में जो हैरेसमेंट करता है उसको तुरंत वो मिलना चाहिए फुल स्टॉप रिलीफ। हां जी, क्योंकि आपने एडमिट कर लिया पार्लियामेंट ने, मतलब आज ये रिकॉर्ड पे है, हम अपनी तरफ से थोड़ा बोल रहे हैं, तो दुआ जी जब रिकॉर्ड पे आ गया कि फर्स्ट अपीलों में स्टैच्यू गवर्नमेंट ने मान लिया कि हाँ तभी तो जॉइंट कमिश्नर अपील बनाया उन्होंने, कहने का मतलब ये है सर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट भाव राजेश भाई ये है कि जो लोग की अपील सीआईटी अपील पे पेंडिंग है और जो लोगों को न्याय नहीं मिल पाया अभी तक फॉर वन रीजन और द अदर रीजन, उनके पास जो कोहली साहब को राम राम, उनको जो क्या नाम सर जो रिकवरी का थ्रेट हुआ है रिकवरी का प्रेशर हुआ है कई लोगों में तो 20% से भी पैसा ज्यादा ले लिया है, मतलब वो वापिस हो और या पूरा अनकंडीशनल स्टे मिले जब तक उनकी अपील डिसाइड ना हो जाए फर्स्ट अपील पे। तो ये बात मैं क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैंने इसीलिए बोला कि जैसे एक एंगल तो हो गया कि ज्वाइंट कमिश्नर अपील आ गया वो अपना काम करेगा वी ऑल नो उसके लिए ठीक है कि उन्होंने स्कीम लानी है कि वही केस जाएंगे जो डिप्टी कमिश्नर से, जैसे उसमें बड़े केस नहीं जा सकते सर सीजर वाले जिसमें रेंज हेड अप्रूवल है, छोटे केस ही जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य राजेश भाई उसमें ये है कि जब ये ज्वाइंट कमिश्नर अपील दीपक भाई को राम राम, जब ज्वाइंट कमिश्नर अपील को सर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो उसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना राजेश भाई बहुत जरूरी है और वो बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे आप ये तो मान रहे हो कि हाँ अपील फर्स्ट अपील पे चीजें रुकी हुई है बट उसके अंदर जो उसके साथ जो साइड इफेक्ट्स है वो कौन देखेगा, आप समझ गए मेरी बात सर। तो ये एक पॉइंट सर, मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है सर, सर बिल्कुल आ रही है भाई साहब। मनीष भाई आप अपना माइक चेक करें, मेरी आवाज ठीक है सबको पैनलिस्ट को सारे पैनलिस्ट को ठीक आ रही है ना सर? यस यस सर, यस सर। ओके सर, तो ये बात थी कि सर ये अच्छा चेंज है कि उन्होंने ये तो माना चलो कम से कम कि साहब ज्वाइंट कमिश्नर अपील को ले आए हैं। और मुझे इसको मैं एक बड़े लाइटर साइड से बोलूं राजेश भाई, एक जैसे लाइटर साइड से कि जैसे हमारे जैसे अपील के वकील उनका काम बहुत जल्दी अभी और बढ़ेगा। अच्छा दीपक जी
तो अभी क्या होगा कि अपील होंगी तो फर्स्ट अपील पे तो आईटीटी में भी केस जाएंगे और हम तो आईटीटी के ही ट्रेडिशनल लॉयर रहे हैं, तो इसीलिए ये इसको एंगल से भी देखा जा सकता है। चलिए, मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था राजेश भाई बजट को और कि मेरे को क्या समझ में आया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस वाइज बता जी कह रहे हैं आवाज कम आ रही है सर, मेरी आवाज तो पूरी ठीक है, मैंने तो आवाज बिल्कुल ठीक कर, नहीं आवाज बिल्कुल ठीक है सर आपकी, हमारे यहाँ बिल्कुल प्रॉपर है, पूरी आ रही है ऐसा भाई, बहुत बढ़िया आवाज है। ओके ओके दीपक भाई, दीपक भाई की तो आवाज भी वैसे तेज ही है वैसे भी। हाँ नहीं नहीं ओसवाल साहब बढ़िया आदमी है, अगर ओसवाल साहब की तो आवाज में दम है, मोटा भाई है, दादा है। तो सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आई वाज जस्ट स्टडीइंग कि मैं ये समझना चाह रहा था कि पल्स क्या है मीटर जी, एक तो पल्स में ये हुआ जॉइंट कमिश्नर अपील का कंसेप्ट आ गया है, इट्स इंपॉर्टेंट चेंज क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो जाएगी ये मेरे ख्याल से नहीं इन्हें इन्हें सीआईटी अपील लेवल आने वाले टाइम में इसमें हमें और अध्ययन भी करना पड़ेगा और मैं थोड़ा और कर देता हूं आज कुछ अभी देखिए सर और बेटर करने की कोशिश करिए। मैंने मैं कंटिन्यू रखूं ना राजेश भाई? बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो मैं ये कह रहा था सर कि जो ये ज्वाइंट कमिश्नर अपील वाला चेंज हुआ है, इस चेंज हमें बहुत बारीकी से आगे फॉलोअप भी रखना पड़ेगा, इसमें वो लोग कुछ नोटिफिकेशंस भी लाएंगे कौन से टाइप के केसेस इसमें रहेंगे और हो सकता है जो पहले के पेंडिंग हो वो भी इनमें चले जाएं। तो ये जो ज्वाइंट कमिश्नर अपील वाला चेंज हुआ है, ये चेंज अपीलेट एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसमें एक धमीजा जी एक पॉइंट आ रहा था मेरे अपने दिमाग में, जैसे 115 बीवी वाली बहुत अपीलें पेंडिंग पड़ी है, उनमें ज्यादा ही है, अब पता नहीं वो कितनी जा पाएंगे इसमें। और व्हाट काइंड ऑफ अ रूल्स दे फ्रेम टू इंक्लूड दीज इन पैरामीटर्स दे डिफाइन, और वो देखना पड़ेगा उसको। तो ये एक चेंज ऐसा है कि जिसमें मुझे लगता है कि एक एक नई पहल होगी और जब हम देखेंगे इसमें क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल कैसे हो रहा है और इसमें जो अगेन जस्टिस कहां तक मिल रहा है राजेश भाई, जी सर, कितने नंबर ऑफ केसेस इसमें डिस्पोज होते हैं और पेंडेंसी कितनी कम आती है जैसा। एनीहाउ अब जैसे सेक्शन 2 से हम जैसे अमेंडमेंट्स को एनालाइज करें, जो क्लॉज बाय क्लॉज देखें अगर पढ़े, तो उसमें जैसे सेक्शन 2 है वो तो डेफिनेशन क्लॉज होता है, और उसमें क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कोई हमेशा हर एक बजट में सेक्शन 2 तो अमेंडमेंट से छूता नहीं रहता है सर, शायद का दमीजर ये कारण होता है क्योंकि आप एक्ट में कहीं पर भी चेंज करते हैं तो कॉन्सिक्वेंशियल, क्योंकि वो डिक्शनरी क्लॉज होता है सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज होता है तो उसमें संशोधन करना आवश्यक होता है। तो जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वाज जस्ट रीडिंग वन थिंग आई वांट टू टेल माय व्यूअर, जस्ट डिस्कस विद माय व्यूअर्स आदर, कि जैसे इसमें सेक्शन 2 के अंदर उन्होंने जहां पर ये कांसेप्ट नया डाला है, मुझे तो ये भी नहीं पता ये कैसे होगा, पर आप लोगों को शायद ज्यादा पता है कि सेक्शन 2 में से उन्होंने एक जगह आप लिख सकते हैं क्लॉज 28 कैपिटल सी ए, जो अपील की हम बात कर रहे थे उसके अलग से डेफिनेशन डाल दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 28 कैपिटल सी ए, अपील मींस ए पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील अंडर सेक्शन 117 सेक्शन 1। तो ये 2 सब सेक्शन 28 क्लॉज सी ए में आ गया है। हां तो मैं सर कोई फोन फान प्लीज बीच में किसी का भी प्लीज काइंडली सर, वरना डिस्टरबेंस होगी। क्लॉज 42 ए में राजेश भाई जहां पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की, तो एक एक असेट उन्होंने कैपिटल एसेट विजुअलाइज किया है मेरे ख्याल से पहली बार लॉ में इनकम टैक्स एक्ट में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। जी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट मतलब ये कैसे मिलेगा बत्रा जी, आप अपने एंड पे चेक करें, मेरे एंड पे तो मैंने पूछ लिया पैनलिस्ट को, सबको आवाज ठीक आ रही है सर। अब ये बड़ा मुश्किल है कि 384 लोगों के हिसाब से मेरी आवाज ठीक आ जाएगी, तभी भगवान बाके बिहारे की कृपा ही होगी। एनी हाउ मतलब आई हैव चेक, मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी में कोई ग्लिच नहीं है। वो याद है वर्ड धमीजा जी, ग्लिच, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच वर्ड। हंसवाल साहब कि सिस्टम पे आप डाल रहे हो वो एओ को नजर नहीं आ रहा है, असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, हमारे यहाँ ग्लिच नहीं है, मेरे को तो नहीं नजर आ रहा है। असेसमेंट ऑर्डर तो पास हो रहे हैं लेकिन अपील के ऑर्डर पास नहीं हो रहे। दूसरों के माइक ना म्यूट नहीं है, दूसरों के माइक म्यूट नहीं है कपिल जी, मैंने सारे म्यूट कर दिए सर, सब टोटल म्यूट कर दिए। अब थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं सर, अब आगे गाड़ी बढ़ाते हैं क्योंकि फिर हम धीरे हो जाएंगे। तो मैंने ज्वाइंट कमिश्नर अपील वाला शुरू में ही हाईलाइट कर दिया राजेश भाई पॉइंट। अब इसके बाद जो मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा था कि सेक्शन 2 क्लॉज 42 कैपिटल ए में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को उन्होंने जगह दिया है,
अब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या है, गोल्ड के बदले में आपको कुछ डिजिटल वो मिलता है, बॉन्ड में क्या होता है राजेश भाई? नहीं कुछ मिलेगा, मैं सुनना ही चाह रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल ज्ञान है कि कैसे होता है? नो तो ये मेरे ख्याल से इसमें ऐसा बोला गया है कि गोल्ड के बदले में, फिजिकल गोल्ड के बदले में ईसीआर इश्यू होगा, और इस ईसीआर को उन्होंने बोला है कि जब आप गोल्ड से ईसीआर कन्वर्ट कराएंगे तो उसका जो कॉन्सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, स्पेसिफिकली कैपिटल गेन हेड में, वो रेवेन्यू न्यूट्रल होगा, मतलब उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा। वो माना जाएगा कि जब आपने उसको, खिवानी जी को राम राम, जब आपने उसको क्या नाम गोल्ड से इलेक्ट्रॉनिक रिसीट में कन्वर्ट कराया है, तो वो जैसे होता है कि आपने गोल्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिक रिसीट रख दी, ऐसा माना जाए, और जो बाकी का ट्रीटमेंट है शर्मा जी, वो सब उसके हिसाब से ही चलेगा, कि जैसे आपने जो गोल्ड की कॉस्ट थी वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उसी के हिसाब से राजेश भाई आ जाएगा। तो ये अमेंडमेंट जैसे उन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 42A में, जैन साहब मैंने पूरी कोशिश कर ली है भैया, आपको बियर करना पड़ेगा, सॉरी 242A, तो क्या मैं ज्यादा वॉइस पे ध्यान दूंगा तो मेरा सब्जेक्ट सब इधर उधर हो जाएगा, प्लीज मैं वॉइस पे ध्यान नहीं दूंगा। 242A, सॉरी प्लीज पार्डन मेरी दृष्टता को क्षमा करें, 242A के अंदर जो कैपिटल असेट में उन्होंने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जब आपको मिलेगी तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो गोल्ड का था वो उसमें इंक्लूड हो जाए। और सेक्शन 47 में भी उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट करी है, सेक्शन 49 में भी करी है, जो कैपिटल गेन हेड के सेक्शंस हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है सर, सर आप वॉइस को छोड़िए सर, थोड़ा सा मैं वैसे भी बहुत ऊंचा बोलता हूँ, अभी मैं और भी ऊंचा बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इग्नाइट होगा तो और ऊंचा बोलू है राजेश भाई, अभी इंजर्ड और होगा तो अभी और आवाज मेरी गर्म हो जाएगी। तो सेक्शन 2 क्लॉज 42A मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट का नया कंसेप्ट आया है। अब हमारे पास तो वैसे भी गोल्ड ज्यादा नहीं है, तो जो लोगों को मिलेगी उनसे हम आपको, हमें आप लोग बताएंगे कि कैसी होती है वो, कैसी दिखती है, और तो तभी जैन साहब आगे और बुद्धि चलेगी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है राजेश भाई, जो हम अभी बात कर रहे थे, पता नहीं राजीव जैन साहब अब कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, भैया प्लीज मेरे बस की नहीं है, अभी मेरे को बोलने दो प्लीज, आप जो मैं बोल रहा हूँ अभी आप कोशिश करके, राजेश भाई सबको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, राजेश भाई रिकॉर्डिंग भी भेज देना। श्योर सर श्योर। कहने का मतलब ये है सर कि आई वॉज जस्ट स्टडिंग कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट चेंजेस और फील ऑफ द चेंजेस ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट। सी देयर हैज बीन इन पास्ट 2-3 years नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन द बजट्स, लास्ट 2-3 budgets इन चैरिटेबल ट्रस्ट। अब खिवानी जी मेरा पेस तो मेरी, मैं तो पहले भी बोल रहा था कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी समझ से परे चला गया पूरा, मतलब पिछले 2-3 साल में इतने चेंजेस हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट जो, मतलब आई डोंट नो वेयर वी स्टैंड। अगर मुझसे कोई पूछे राजेश भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट कि क्या चैरिटेबल ट्रस्ट की आज की पोजीशन है जैन साहब, तो मेरे लिए, मैं अपनी पोजीशन की बात कर रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माई अदर 400 participants, कि मेरी समझ से ऊपर है, ये बाउंसर है मेरी। वैसे भी मैं अभी तो पूरा पढ़ ही नहीं पाया उसको, और जितना मैं पिछले 3 साल से समझ रहा हूँ कि चेंजेस पे चेंजेस ही आते जा रहे हैं, कभी वो किसको किसी के साथ चेंज कर देते, कभी किसी के साथ कर देते राजेश भाई, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार दमीजा जी, जैसे हम लोग कोर्ट में जाते हैं हाई कोर्ट में, जैसे एक होता है लॉ को लिखने की, मैं पढ़ रहा था जस्टिस भगवती हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, बड़ा बड़ा नाम रहा पीएन भगवती साहब का, उन्होंने एक जगह लिखा था कि जितनी सिंपल लैंग्वेज और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होगी उतना ज्यादा बेटर होगी चीजें। अब राजेश भाई ये जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई बहुत बड़ा गुरु हूं लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में, मुझे ड्राफ्टिंग कुछ नहीं आती ज्यादा, पर जितना हमने समझा है पढ़ा है लोगों को, जो ज्ञानी लोग हैं हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ज्यूरिस्ट रहे हैं, उनका कहना यह है कि जितनी ज्यादा सिंपल ड्राफ्टिंग होगी। अच्छा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोविजन में ऐसी लैंग्वेजेस, वो 1023 से सेक्शन और सेक्शन 11 ही इतना बड़ा हो गया, उसमें इतने सारे प्रोविजो, उसकी जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है, उसका विस्तारीकरण हो गया है, विस्तारवाद हो गया है, उसमें सब टाइप के लोग हैं, एक्सप्लेनेशन भी है उसके अंदर, प्रोविजो भी, जैसे कहते हैं सब टाइप के प्राणी है उसके अंदर, उसमें सब सेक्शन भी है, सब कुछ है, पर हमारे जैसे व्यक्ति को, जो मेरी जैसे समझ का व्यक्ति है लिमिटेड, उसको ऊपर से पढ़ना खिवानी जी चालू करेगा, जब तक नीचे पहुंचेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने पहले जो पढ़ा था वो क्या था। तो द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक आवर इज कि देखो भाई चैरिटेबल ट्रस्ट अभी मैं पूरा चेंज नहीं समझ पाया हूं, पर राजेश भाई वो ये करना चाहते हैं कि जितने ज्यादा चैरिटेबल ट्रस्ट इस इंडिया में है सेक्शन 12AA में, उनके ऊपर शिकंजा को टाइट करा जा रहा है,
मतलब जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आप कह लीजिए, सर्वेलेंस मैकेनिज्म कह लीजिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कह लीजिए, और जो जो चेक है वो चाहते हैं कि कम लोग ही, डिजर्विंग लोग ही रखें 12AA लें, और वो भी उसका मिसयूज ना करें, 1% भी मार्जिन बिल्कुल ना हो। तो ये जितने भी चेंज किए गए जिनको मैं अभी नहीं पढ़ पाया हूं सवेरे से अभी तक, क्योंकि वो इतने ज्यादा थे मात्रा में कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कोरिलेट कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे को तो पहले ये समझना पड़ेगा कि राजेश भाई जिस जगह चेंज हुआ है उसको फिट कैसे हो रहा है वो। तो आपको एक अलग से सेशन कराना पड़ेगा, बहुत सारे सेशन कराने पड़ेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट पे, आप कराते ही रहते हो, सबको बुलाते हो, हमें भी बुलाते हो, तो अभी आप चैरिटेबल ट्रस्ट पे भी सबको बुलाना है, ज्वाइंट कमिश्नर अपील पे भी बुलाना है आपको, चैरिटेबल ट्रस्ट पे भी, ठीक है सर? थैंक यू राधे राधे फॉर योर स्माइल, आपकी स्माइल से मुझे लगता है कि मेरी बात पहुंच गई आप तक। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चेंजेस हैं सर, वैसे सेक्शन 10 क्लॉज 23 कैपिटल सी और 11, 12A, 12AB में है, और इनकी मात्रा में ये चेंजेस जितने हैं वो मेमोरेंडम में वो 15-20 पेज हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक बात डिस्कस करनी होगी तो मैं एंड में कर लूं, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं राजेश भाई विद योर परमिशन। कि अब इसके अंदर जैसे आई वॉज सीइंग कि जैसे सेक्शन 17 है सैलरी वाला, अब अच्छा सैलरी के रिटर्न भी हम लोग तो कम ही भरते हैं, हम तो ITT के हाईकोर्ट के लॉयर हैं, तो सेक्शन 17 में कुछ चेंज किया है उन्होंने परक्विजिट में कि जो हाउस फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन होती है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो वो उन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉयर रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है और उसको परक्विजिट कोहली साहब चेक करना होगा, खोमानी साहब, तो उसका वो सेक्शन 17 के अंदर वो एक कोई मैकेनिज्म बताएंगे जिस मैकेनिज्म के तहत सेक्शन 17 में वो परक्विजिट की वैल्यू आप निकाले। सेक्शन 28 वह सेक्शन है जो बिजनेस हेड का ओपनिंग सेक्शन है, जैसे गोमुख है, गंगोत्री गोमुख है, और ऐसे ही सेक्शन 28 क्या है राजेश भाई, बिजनेस हेड का ओपनिंग सेक्शन। अब इससे क्या है, इसमें यह है दमीजा जी की चार्जिंग सेक्शन है PGBP का, चैप्टर 4D का। अब इसमें राजेश भाई उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट करी है, ये अमेंडमेंट मेरे जैसे खिवानी साहब, फिर मेरा पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग टाइप का हो सकता है, कि जैसे एक तो होता है कि आप TDS के प्रोविजन को ठीक करें चार्जिंग प्रोविजन के हिसाब से, ये मैंने पहली बार होते हुए देखा अग्रवाल साहब कि TDS के प्रोविजन के वजह से अमेंडमेंट हो रही है इन द मेन प्रोविजन। मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, खिवानी साहब सही आंसर, 194R आया था पिछली बार, उसमें उन्होंने कहा था कि भैया जो लोग बेनिफिट परक्विजिट देते हैं उनका TDS भी कटना चाहिए, उस सेक्शन पे आपके यहाँ मैंने भी एक बार सेमिनार राजेश भाई किया था, मेरे को बहुत मुश्किल हुई थी उसको सेक्शन को समझने में, और अभी तक मेरे समझ में नहीं आया कि वाणी जो सेक्शन पूरा, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सेक्शन CBDT ने जैसे वो, अच्छा एक और बात है राजेश भाई, उसके बाद आपको याद है सर्कुलर आया था 194R में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी में जैन साहब, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए थे। अब उन्होंने शर्मा जी क्या हुआ, उनको लगा कि साहब ये सेक्शन में कुछ गलतियां हो गई, मतलब ये सेक्शन TDS जितना बड़ा होना चाहिए इसका स्पेस, जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन में तो कह दिया था कि इवन इफ इन काइंड यू आर गिविंग समथिंग, और सॉरी इफ इवन इफ इट इज गिवन इन कैश देन आल्सो इट विल बी कवर्ड, जबकि जिस सेक्शन की वजह से ये लाया गया था वो 28 सेक्शन था क्लॉज 4, जो अभी के बजट से पहले, आज के अमेंडमेंट से पहले, प्रपोजल से पहले उसमें वर्डिंग यही थी कि उसमें काइंड वाले जो बेनिफिट परक्विजिट थे खिवानी जी वही आएंगे। अब क्योंकि 194R के अंदर CBDT ने ये कह दिया था कि नहीं कैश वाले भी आएंगे और उनपे भी TDS कटेगा और वो भी 28(4) में फॉल करते हैं, उसकी वजह से ये रिवर्स अमेंडमेंट हुई है, आप समझ गए? मैंने समझा दिया, समझ में आ गई जैसे आप सबके, अमेंडमेंट कुछ रिवर्स मेथड में चल रही है। अच्छा ये सेक्शन 28(4) का आप मेरी बात कोई मेरी बात कोई अदरवाइज ना ले, मैंने मेमोरेंडम भी साथ साथ खोल रखा है, 28(4) की इस अमेंडमेंट में मेमोरेंडम में खिवानी जी क्या लिखा हुआ है, उनका कहना ये था कि साहब ये सेक्शन 28 क्लॉज 4 में जो बेनिफिट परक्विजिट की बात करी है वहां वर्ड था वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट पावा जी, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं कई साल पहले 3-4 साल पहले व्याख्या कर रखी थी, बहुत सारे डिसीजन थे, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट का मतलब 28(4) का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ काइंड वाले आएंगे, जैसे कपिल गोयल किसी को प्रोफेशनल सेवा दे रहा है उसको बाहर जाने की टिकट मिल गई काइंड में वो आ जाएगी, बट कैश में पैसा मिल रहा है वो तो अदरवाइज ऊपर आएगा 28(1) में, वो उसमें कैसे आएगा एनी हाउस। तो कोले साहब ये इन्होंने 28(4) का एक्सपेंशन जो इनडायरेक्टली 194R के CBDT की उसमें कर दिया था उसको यहां स्पेस दे दिया, और यहां अब क्या कह रहे हैं वो, कह रहे नहीं साहब सब टाइप के बेनिफिट चाहे काइंड में है चाहे कैश में है वो सब 28 क्लॉज 4 में
टैक्सेबल हो जाएंगे। मेरा सबमिशन ये है जैन साहब कि जब हम किसी को कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं और उसके बदले में हमें दो टाइप की पेमेंट मिल सकती है, काइंड में, कैश में, लेट अस से, तो जो मुझे मॉनिटरी फॉर्म में मिल रही है खिवानी जी, उसको तो मैं ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो भी बनाता हूं उसमें इंक्लूड कर ही रहा हूं, और उसकी जो इनकम आती है मैं टैक्स दे रहा हूं। 284 में लिखने का सेंस क्या हुआ? आई एम सॉरी, आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, आप तो डाउट कर रहे हैं इनकी। मैं डाउट वाउट कुछ नहीं कर रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन वेदर इन कैश और इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। मेरा सबमिशन यही है कोहली जी, मुझे जितना लिमिटेड समझ में आता है, ये तो पहली ऊपर 281 क्या है फिर, उसमें कौन सा प्रॉफिट इनकम टैक्स कर रहा हूं? जब सर कैश पेमेंट आ रही है, टीडीएस कटा रहा प्रोफेशनल रसीद के ऊपर, तो सर ये किया मतलब व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस अमेंडमेंट देन? मतलब आर वी सेइंग कि दैट इससे पहले जो मुझे कैश में आ रही थी बेनिफिट परक्विजिट, वो आज से पहले टैक्सेबल नहीं थी? मतलब ये पोजीशन व्हाट इज दिस किवानी जी? नहीं सर, ठीक कह रहे हैं, इसमें ऐड करने लायक कुछ नहीं है, इसको बस इग्नोर करके आगे बढ़िए, जो चलता चलता है ठीक है ना, चलता रहेगा। सम प्रोविजंस आर लाइक दैट, तो चलता है, चलना चाहिए। अरे नहीं सर, आप देखो इसका मतलब तो ये हुआ, नहीं नहीं सर वो भाई अलग चलेगा कि जो लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैश में पैसा ले लेते हैं और अकाउंट फोर नहीं करते, मैं अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं सर, सॉरी सॉरी। जो अकाउंट फोर करते नहीं है तो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, उसको कहां पूछा जाए। वेरी गुड, हाउ स्वीट ऑफ यू सर। बट मैं एक बात बोल रहा था खिवानी जी, आपने बोला ना कि कपिल भाई ये तो क्या नाम इन्होंने ऐसे ही डाल दिया, आप इसको छोड़िए। मैं कह रहा हूँ एक तरफ तो इसमें मैंने इस बार बजट में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखा कि उन्होंने बहुत सारे रिडंडेंट प्रोविजन को ओमिट किया है। करेक्ट, यू अंडरस्टैंड। एनी अगला पॉइंट मेरा ये है, सेक्शन 28 क्लॉज 4 मैंने कवर कर दिया जितना मेरे समझ में आया। उन्होंने 194R से इसको अलाइनमेंट किया है, अलाइनमेंट किया जैसे गाड़ी में अलाइनमेंट होता है टायरों का। अब 35D सर, 35D क्या है? 35D एक वो खर्चा है जो हमें मिलता है बिजनेस हेड में, कोई आदमी एक पर्टिकुलर टाइप की रिसर्च करता है तो उसको वो देते हैं, प्रीलिमिनरी खर्चा करता है, तो उसके लिए पहले उनको था कि साहब जिस आदमी से आप करा रहे हो वो बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। अब उन्होंने कहा आप खुद खर्चा कर सकते हो, आप खुद खर्चा करने के बाद हमारे को जो भी खर्चा करो उसका प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह फाइल कर दो। रमेश जी हम फास्ट भी चलेंगे बट इतना फास्ट भी नहीं चलेंगे कि हमारी गाड़ी उल्टी हो जाए, तो इसलिए स्पीड को भी नियंत्रण में रख के चलना जरूरी होता है। लिखा होता है ना हाईवे पे कि स्पीड नियंत्रण में रहे, है राजेश भाई? Thrills but kills. Yes, 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 yes. नियंत्रण में भी रहना जरूरी है। Yes, control is necessary. तो 35D की हम बात कर रहे थे सर, दे हैव गिवन दिस लीवे टू द असेसी कि दैट ही कैन एक्सपेंड द अमाउंट ऑन हिज ओन बट ही विल हैव टू मेक ए रिपोर्टिंग कंप्लायंस in the sense that he will have to file a statement to the authorities and that statement will become a check and balance ki wo jo kharcha kar raha hai jis cheez pe wohi karega sir. Devender bhai chhod do abhi zyada message mat daliye, mere ko sunte jaiye please, baad mein hum jo bhi time milega main aapke sath khoob man ki baatein karu. Section 43 capital b, ab section 43 capital b khivani ji इतना बड़ा हो गया है ये भी, मतलब इसमें भी परिवार के अंदर जैसे कहते हैं ना कि एक सेक्शन होता है दुआ जी जिसमें दूध हो नाव पूतो फलो, सेक्शन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। अब 43B के अंदर उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज ऐड किया है कि साहब जो स्मॉल एंटरप्राइज है और माइक्रो एंटरप्राइज है, जिसकी परिभाषा कहां दी हुई है सेक्शन 15 माइक्रो स्पेशल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, इसको बोलते हैं MSME एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर दो एंटरप्राइज हैं सर, माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज को जो आप पेमेंट करेंगे, जो आप बिजनेस के दौरान कर रहे हैं और जिसको बिजनेस खर्चा क्लेम कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ राजेश भाई पेमेंट बेस पे मिलेगी। ये संशोधन धारा 43B के तहत किया गया है, आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आपने किसी आदमी को पेमेंट करनी है वो कोहली साहब माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है एज डिफाइंड इन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, then the payment will be allowed as per section 43B on payment basis only. Are you getting my point? Aapko yes, accrual basis. Am I right, Khivani ji? Yes, you are right. But it involves a lot of work. It generates? It doesn't generate. It involves a lot of work. मतलब इसको because you have to scan through clients. Client के सारे records को पूरा उसमें list बनानी पड़ेगी, एक भी दिन की delay उसको report कर
कंप्यूटेशन में लेना पड़ेगा। मतलब आपका कहना यह है कि मिस्टर गोयल ऑडिटर का काम, टैक्स ऑडिटर का काम तो बढ़ गया। टैक्स ऑडिटर का बढ़ गया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम रिटर्न बनाने के लिए भी बढ़ गया ना, आपने अगर केयरफुली रिटर्न भरनी है तो। और अल्टीमेटली ये सब काम सीए से कराया जाएगा हमारे सीए से भाई। हाँ ये स्वाभाविक है मेरे ख्याल से, ये स्वाभाविक है। चलिए आप कहेंगे स्वाभाविक बात क्यों कर रहे हो, आगे बढ़ो गोयल साहब। तो ये तो हुआ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की 43B के अंदर पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। मैडम ने अपनी स्पीच में भी बोला था कि हम उनको चाहते हैं कि उनके हाथ में पैसा आए जल्दी और उनके प्रति लोग डिसिप्लिन पेमेंट करें। अब ये सेक्शन 43B, मेरे को राजेश भाई मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटिंग माय स्टेटमेंट कि दैट इनकम टैक्स एक्ट इज नाउ बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट टू सी दैट अदर एक्ट्स आर आल्सो गिवन द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। तो ये एक अमेंडमेंट है जो इस तरफ हमें इंडिकेट करती है कि आज जो इनकम टैक्स अधिनियम में चेंज हुआ है उस चेंज का मकसद खिवानी जी इनकम टैक्स एक्ट का पर्पस से ज्यादा एसएमई का पर्पस को एक्ट को पूरा करना है। पॉलिसी अगला पॉइंट सर, तो ये 43B का चेंज मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया सर। अगला चेंज इसके बाद जो है वो 44AB 44AD 44ADA जैसा आराम से चलेंगे हम जल्दी नहीं चलेंगे, जो मेरी अपनी नेचुरल स्पीड है मैं उसी से चलूंगा। आपके हिसाब से अगर अपनी स्पीड चेंज कर दूंगा तो मुझे शायद हो सकता है कि मैं अपनी बात को जस्टिफाई ना कर पाऊं, क्यों राजेश भाई? सो व्हाट आई एम सबमिटिंग सर नाउ द 3 सेट्स ऑफ चेंजेस व्हिच यू हैव टू कवर इज, और थोड़ा सा बियर करिए सर, मेरे को जो सुनते हुए आए हैं सबको पता है, जो मुझे सुनता है कि मैं अपने हिसाब से बोलता हूं, मैं अपनी बात को चेंज करके बोलूंगा तो फिर मैं कपिल गोयल की तरह नहीं बोल पाऊंगा, मुझे कुछ और बनना पड़ेगा सॉरी, और वो मैं बन नहीं पाऊंगा चाहे कोशिश भी कर लूं, क्यों राजेश भाई? तो जो लोगों को मान लीजिए मेरे साथ कोई बोलने में वो है तो सर मुझे नेचुरल गेम खेलने कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट चेंज माई वन, आई विल नेवर चेंज, क्योंकि मुझे क्या है कि आई एम नॉट टू जस्टिफाई वन पर्सन ना, आई एम टू जस्टिफाई फर्स्ट माई सेल्फ, सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी। तो व्हाट आई वाज सबमिटिंग खिवानी जी 44AB 44AD एंड 44ADA। अब ये चेंज क्या है, मुझे लगता है कि पुराना लेगेसी इशू था कि कुछ लोगों को, हम लोगों को कंफ्यूजन था कि साहब 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट कराते वक्त जो 44AD और ADA वाले लोग हैं उनको एक्सक्लूजन होगा। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया 44AB में, अब provided that this section shall not apply to a person who declares profits and gains for the previous year in accordance with provisions of subsection 1 of 44AD and 44ADA. It means that tax audit will not apply to the person, eligible person, who has validly, Khiwani ji, opted for 44 capital AD benefit, presumptive income benefit and 44ADA. Ab AD mein jo unhone change kiya, madam ne speech mein bhi bola tha, ki hum isko 2 crore se 3 crore kar rahe hain, but uske saath ek rider laga rahe hain ki aapka jo kya naam, कैश का रिसीट साइड है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल टर्नओवर का, और उसमें कैश को वो जो मानते हैं वो अकाउंट पे ही चेक के अलावा जितनी भी चीजें आ रही हैं आपके पास वो सब कैश है, और वो 5% से अगर ज्यादा नहीं है तो 44AD का अमाउंट 2 crore से बढ़ के नहीं सर, इवन RTGS आल्सो ए कैश। भैया इसमें क्या लिखा है राजेश भाई देख लो भैया सब, आप प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट प्रोवाइजो द रिसीट ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट बाय चेक ड्रॉन ऑन ए बैंक और बाय ए बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे शैल बी डीम्ड टू बी द रिसीट इन कैश। तो जो चीज अकाउंट पे नहीं है स्ट्रिक्टली इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन के लिए, लैटिट्यूड के लिए 2 crore से 3 crore वाले के लिए, उसके लिए कैश चेक करने के लिए 5% का थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए, उसमें आपको राजेश भाई यू हैव टू गो स्ट्रिक्टली बाय द सेकंड प्रोविजो टू 44AD जो उन्होंने ऐड किया है। बैंक और ए बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पे, सो वन हैज टू गो टू फाइन पॉइंट कि दैट जब हमारे पास कोई RTGS आती है तो हम उसको अकाउंट पे ही मानते हैं नहीं मानते हैं, तो पेटीएम पेटीएम जितने भी है ना सर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, रुपए है, यूपीआई है, सर इसके अंदर ये चीज है कि जो चेक और ड्राफ्ट के बारे में बोला गया है, अगर चेक और ड्राफ्ट अकाउंट पे ही नहीं है तो उसको ही कैश RTGS नेफ्ट फोन पे यूपीआई वगैरह की बात नहीं हुई है एज पर माई व्यू। किसी ने अपने चेक मिला उसने खाते में डाल लिया
नहीं ठीक है उसका इंडोर्स चेक ट्रांसफर चेक को मना करो। तो मैं कोहली साहब समझ कर देता हूं, बियर डीडी और चेक होते थे ना, सिर्फ उसके लिए बात है, ये जो बियर होते थे अकेले भी नहीं करते थे। यस 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 somebody has rightly said निशांत जी, कोई लिखा भी है। और यहां पे या मेरे ख्याल से यहां पे सिर्फ वो कैश को डिफाइन कर रहे हैं ना कि बैंक ट्रांजैक्शन को। नहीं पर दुआ जी उसका उनका कहना यही है जो अभी बात निकल गई ना कि बियरर टाइप चीजें जो हैं। जी 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 इंस्ट्रूमेंट में जैसे जिसको हम बियरर बोलते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप सब समझते हैं, तो वो वाली बात हो रही है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट अग्रवाल साहब आस्क मी कि दैट पूरा हाउस का पैनल का हमारा सबका कंसेंसस व्यू ये है कि जो चीज मान लीजिए टारगेटेड है, चाहे वो आरटीजीएस के थ्रू जा रही है, चाहे वो पेटीएम के थ्रू जा रही है उसवाल जी बोल रहे हैं, चाहे वो यूपीआई के थ्रू जा रही है वार्षण जी बोल रहे हैं, तो अगर उसका ट्रेल क्लियर है और उसका आइडेंटिटी जिसके पास जा रही है पॉकेट में वो रिसिपिएंट क्लियर है, तो वो उसकी इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कैश नहीं माना जाए। जी सर ठीक है सर 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 तो दैट इज अ गुड हेल्दी डिस्कशन बेनिफिट सर। 44 एडी ए में भी उन्होंने यही कहा कि साहब 50 लाख को 75 लाख कर दिया जाएगा, बट उस 50 लाख 75 लाख के लिए फिर वही बात उन्होंने वहां लिखी है कि भैया आपका 5% से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए, और उसमें भी वही उन्होंने चेक एंड बैलेंस लगाया है। तो इसके अंदर दोनों बातें करी है उन्होंने, 44 एडी वाले को एडीए वाले को बढ़ावा भी दिया है और उसके अंदर साथ में ये भी कहा है कि भैया कैश ट्रांजेक्शन आप कम से कम करिए, हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़े, बैंकिंग प्लास्टिक मनी की तरफ। कटपालिया जी राम राम। अब 44BB और BBB, आज देखिए मैं कितना धन्य महसूस कर रहा हूँ सर, कितने सारे हमारे दोस्त, इतने सारे, ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से आशीर्वाद बरस रहा है मेरे ऊपर। 44BB है राजेश भाई और 44BBB, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा रॉयल्टी, BBB और BBB। उसमें उसका कहने का मतलब ये है सर, अब सेक्शन का ये सेक्शन कुछ फॉरेन कंपनी से संबंधित है जिनमें कोई प्रिजम्प्टिव इनकम की बात करी हुई है, इन्होंने ये महसूस किया लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट ने सर कि कुछ लोग जो प्रिजम्प्टिव इनकम का बेनिफिट भी ले रहे हैं कोहली जी, वो साथ में कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस और डेप्रिसिएशन जो अनअब्सॉर्ब है उसको भी सेट ऑफ कर दे रहे हैं प्रिजम्प्टिव इनकम के साथ। तो उन्होंने 44BB में और 44BBB में दोनों जगह एक राइडर डाला है। मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब जो आदमी उस सेक्शन का बेनिफिट ले रहा है वो दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकता, ही कैन नॉट राइड ऑन टू हॉर्सेस, हमारे यहाँ कहते हैं ना जैसे आप दो घोड़ों पर सवारी एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो 44BB का जो एलिजिबल ग्राहक है, मान लीजिए आदमी है और 44BBB का वो प्रिजम्प्टिव पे टैक्स दे रहा है अगर शर्मा जी, तो उसको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे असेसेस हम लोगों के पास जनरली नहीं है, ये फॉरेन वाले हैं, बट ये चेंज इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया इसे इसी कड़ी में। अगला चेंज सेक्शन 45 कैपिटल गेन हेड की तरफ हम रुक कर रहे हैं सर। इसमें सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A के अंदर, अब अग्रवाल साहब मेरे को लगता है जिसने भी जो ये अमेंडमेंट्स करी है ना उन्होंने बहुत बारीकी से ये देखा है कि कहां कहां पर ऐसी चीजें हैं कि जो बेनिफिट असेसी गलत उठा रहा है या उठा सकता है। तो जैसे आप 45 सब सेक्शन 5A नोट करें, वो सेक्शन क्या है, जैसे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वाला सेक्शन है कि जिसमें हम जब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी बताई हुई है सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A में। उसमें वर्ड लिखा हुआ था कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश इफ एनी। अब लोगों ने मतलब निकाल लिया कि सिर्फ कैश वाला ही ऐड होगा, जो किसी और मोड में आ रहा है वो नहीं होगा, उन्होंने कहा है पर मेमोरेंडम में। तो उन्होंने क्या लिख दिया लैंग्वेज, कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश की जगह कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश और बाय चेक और बाय ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड। तो जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के दौरान आप लैंड के बदले में आपको कुछ चीज मिलती है और उसके साथ आपको कैश के अलावा भी कुछ चीज मिल जाती है, तो भी कोहली साहब उसके अंदर चारों चीजें डाल दी, कैश चेक ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड 45 सबसेक्शन 5A। अब आ गया सेक्शन 47, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट है, 47 सेक्शन क्या है जनरली राजेश भाई उसकी हेडिंग है ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफर ना माना जाए वो जैसे उस कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो उसमें वो ट्रांजेक्शन आ गई है यानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, तो वो 47 में उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। फिर उसके आगे सेक्शन 48 के अंदर भी उन्होंने ये बात लिखी है। अच्छा हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजेश भाई, देखिए अब ये चेंज बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है, ये इतना इंटरेस्टिंग चेंज है बहुत सारे लोगों को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हो रहा था धमीजा जी, कि जैसे किसी आदमी ने हाउस लिया और उस हाउस के ऊपर उसने ब्याज वगैरह दिया लेने के अंदर कॉस्ट में, उसने उसकी डिडक्शन सेक्शन 24 में भी ले ली या चैप्टर 6A में भी ले ली और यहां पर भी ले ली 48 में बेचते वक्त, तो उन्होंने कहा भैया इतनी बार नहीं देंगे खिवाड़ी जी, मतलब हालांकि मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का एस्कॉर्ट्स का पुराना एक बहुत ऑर्डर है कि नो 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 बेनिफिट कैन बी गिवन ऑन द सेम अमाउंट ट्वाइस, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट ओल्ड रूलिंग। यस बट देयर इज अ चेन्नई का एक डिसीजन है इसी पॉइंट पर, वो ट्रिब्यूनल है दादा, इफ आई एम नॉट, यस आई एग्री
सर सॉरी मैंने बॉम्बे में कभी नहीं किवाड़ी जी ट्रिब्यूनल हमारी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है नहीं है बस कहने का मतलब ये था मेरा ठीक है आप ठीक कह रहे हो यू आर राइट ये है बट एक इंटरेस्टिंग बात दादा इससे निकली कि साहब इन्होंने तो ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव करी है 1 अप्रैल 24 से असेसमेंट ईयर 24-25 से तो इसका मतलब ओसवाल जी क्या इससे पहले वाले पीरियड के अंदर मिल जाएगा राजेश भाई पढ़ने का तरीका जो मैं सीखा हूँ आप लोगों के साथ कि कुछ इसमें बजट को पढ़ने का एक तरीका तो ये हो गया कि जैसे आपने सेक्शन पढ़ लिया ये कब से आया जिसने कहा बता दो फटाफट पर एक पढ़ने का तरीका ये है जैसे हम हमारे काबिल दोस्त ओसवाल जी और खिवानी जी बोल रहे हैं बड़े लर्नेड लोग हैं ट्रिब्यूनल जाते हैं कोर्ट जाते हैं तो कि साहब इनका इंप्लीकेशन पेंडिंग लिटिगेशन पे क्या हो सकता है क्या ये प्रोस्पेक्टिव है क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है 100% प्रोस्पेक्टिव है सर बट क्वेश्चन इज दिस कि कैन आई टेक बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ चेंजेस इन द लिटिगेशन व्हिच इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ आंसर इज यस यस व्हेन आई विल कम टू 148 आई विल टेल यू उल्टा बेनिफिट मिलेगा आपको एक जजमेंट आप नोट कर लीजिए आप सब सर देखिए मेरा पर्पस क्या है मैं गलत मेरी बात कोई ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की तरफ बोल रहा हूँ कोई मेरे को ऐसा मैं आप ही की तरफ सब पर ये है खिवानी जी एक पर्सपेक्टिव देने वाली बात है इसलिए आप लोगों के बीच में मेरे को आने में भी खुशी होती है आप भी मुझे सुनते हैं मिस्टुबिशी का एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नागेश्वर राव का उसके अंदर इनकम टैक्स का ऑर्डर है 437 आईटीआर में रिपोर्टेड है कुछ राजेश भाई उसमें ये लिखा है कि सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट कैन टेल व्हाट इज द प्रीवियस पोजीशन ऑफ द लॉ बेटर है That's right. तो ये बात मैं आपको जो बोल रहा हूँ बोर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए कोई सोचे प्रोवाइडेड दैट ये जो चेंज हुआ है सेक्शन 48 के अंदर कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल नॉट इंक्लूड जो चीज आप 24 सेक्शन में हाउस प्रॉपर्टी में और चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन में ले चुके वो नहीं लोगे ये 1/4/24 से आया मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 से आया आगे बढ़ू सर रानी जी क्लियर है ना ये बात अभी यह हुआ सेक्शन 49 से सेक्शन 49 के अंदर वो पुराना सेक्शन है 49 जिसमें लिखा है कि पुराने वाले आदमी की कॉस्ट एडॉप्ट हो जाएगी दूसरे आदमी के हाथ में शर्मा जी तो इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट वाला ही चेंज है जो सेक्शन 47 में हुआ था 2 वाले में भी मैंने बता दिया था कि जो आपको गोल्ड की कॉस्ट थी वो आपकी यहां पर कैरी ओवर हो जाएगी रोल ओवर हो जाएगी तो वो सेक्शन 49 में उन्होंने कर दिया अब आइए सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज इन्होंने किया है ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है मुझे लगता है जो चार्टेड अकाउंटेंट हमारे फ्रेंड्स मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कोई नया कंसेप्ट आया है लॉ में कैपिटल गेन हेड में मार्केट लिंक्ड डिबेंचर नाम का कुछ पॉइंट बोला है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर का ट्रीटमेंट कैपिटल गेन हेड में क्या होगा उसको डीम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया गया है उसके लिए एक सेक्शन डाला गया है 50AA आप नोट कर लीजिए जो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से संबंधित कैपिटल गेन ट्रीटमेंट होगा वो धारा 50AA में चेक होगा और उसको डीम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उसकी कंसिडरेशन उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये एक स्पेशल सेक्शन उन्होंने बना दिया है कि मार्केट लिंक डिबेंचर का कैपिटल गेन हेड के अंदर आप कहां ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसमें आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट कर देंगे माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो जो भी आपका कैपिटल गेन आएगा सर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो जाएगा अभी आप कहेंगे गोल साहब कैसे हो रहा था उन्होंने मेमोरेंडम में खुद माना ये लिस्टेड सिक्योरिटी की तरह बिना इंडेक्सेशन के 10% टैक्स हो रहा था राजेश भाई एम आई विद यू मैंने क्लियर कर दिया सर ये पॉइंट सेक्शन 50AA जितना मेरे समझ में आया मैंने मार्केट लिंक डिबेंचर अपनी प्रैक्टिस में अपने एडवोकेसी प्रैक्टिस में नहीं देखा है आप लोगों ने देखा होगा मतलब कोई बोल इस पे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है नहीं किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि नई चीजें हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं सारी की सारी चलिए सर ठीक है सर तो मेरा एक्सपोजर खिवानी जी बहुत लिमिटेड है यू नो दैट्स व्हाई आई एम हम्बली सेइंग लाइक इट नॉट फॉर अदरवाइज क्योंकि मैं तो फाइनेंशियल अपने इनकम टैक्स की लिटिगेशन से ही बाहर ही नहीं आ पाता ये वैसे जो लिस्टेड डिबेंचर्स हैं उनके उनपे एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि उनकी उनका रेट ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट में उसके परिभाषा भी डिबेंचर दुआ जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं सेक्शन 54 सर अरे मेरा फेस देखकर रमेश भाई क्या करेंगे आप मेरा फेस को क्यों देख रहे हैं मेरी आवाज को सुन नहीं रहे अभी क्या मेरा फेस नहीं चल नजर आ रहा है अभी मेरे को पढ़ाई करनी है ये मुझे साहब लिख रहे हैं कि गोयल साहब आपका फेस अभी ऊपर नीचे हो रहा है अरे भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो वही तो खिवानी जी मेरा फेस तो आप लोगों ने देखा हुआ ये आपके दिल में हूं मैं यार बिल्कुल सेक्शन 54 का चेंज ये है राजेश भाई कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का जो घर खरीदेगा बदले में नया घर
उसको 10 करोड़ तक का तो बेनिफिट शायद दे देंगे, 10 करोड़ से ऊपर का नहीं देंगे। मैं क्लियर हूं सर? यस यस। साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉ मेकर्स, आई एम अगेन सेइंग कि ये एक वो पॉलिसी है। खिवानी जी बताइए, किसी का गेन ही 50 करोड़ का घर बेच रहा है और उसको 50 करोड़ का लेना है, तो ओसवाल जी वो क्या बुरा कर रहा है? नहीं मगर बिल्कुल 100% रॉन्ग है। मगर एक शख्स ने 150 करोड़ के शेयर्स बेचे और 150 करोड़ का मकान ले लिया, वहां तो फिर शैतानी तो है ना कुछ ना कुछ। हाँ गलत है। विवेक भाई पूछ रहे थे 50 डबल है प्रोस्पेक्टिव है रेट्रोस्पेक्टिव है। विवेक भाई पढ़ने से भी ऐसा सामने लग रहा है, आपके क्वेश्चन का गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा कि गोल सभी मार्केट लिंक डिबेंचर वाला सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव है प्रोस्पेक्टिव है? सर अभी सामने जो टैक्स का नया प्रोविजन आया है ये उन्होंने जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर की प्रोस्पेक्टिव है सर। आगे बढ़ते हैं सर, 54 का ये पॉइंट हो गया सर। 54 में उन्होंने 10 करोड़ वाली कैपिंग डाल दी, 54F में भी यही चीज डाली है गोस्वाल साहब इन्होंने साथ में। हाँ सर। सेक्शन 55 पे सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज है, मैं एटलीस्ट इसको राजेश भाई नहीं समझ पाया हूं, प्रैक्टिकली बहुत रेलेवेंट है हम लोगों के लिए। हमें पता है कि कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की 55 सेक्शन बोलता है निल ली जाएगी, जीरो अंडा शून्य, am I right? अब उसका उन्होंने विस्तार कर दिया है कि जो निल ली जाएगी उसकी संख्या बढ़ गई, उसमें उन्होंने एनी अदर राइट और इंटेंजिबल असेट कुछ डाल दिया है जनरल वन। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था ओसवाल जी कि ऐसे तो बहुत सारे इंटेंजिबल असेट आजकल बिकते हैं, तो क्या आप उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली जीरो ले लेंगे? नहीं, अगर खरीदी हुई है तो बात अलग है सर। नहीं वो तो ठीक हो गया सर, ये तो सेल्फ जनरेटेड किया है, सेल्फ जनरेटेड वाले हैं जो ये। हां सर, जो खरीदी है उसकी तो कॉस्ट आ रही है ना, बस सही है, जैसे कि गुडविल है। तो इसमें इन्होंने गुडविल के साथ वर्ड डाल दिया खिवानी जी, और एनी अदर इंटेंजिबल असेट, माई एनिगमा एंड सी। आप कहेंगे गोल साहब आपका ज्यादा सोचने का दिमाग है इसलिए आपके साथ ही प्रॉब्लम है, इसमें इन्होंने जो वर्ड डाला है ना एनी अदर इंटेंजिबल असेट और एनी अदर राइट, मुझे इसके अंदर क्या क्या आएगा और उसकी क्या परिभाषा है वो नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। एनी हाउ मैं आपकी ने अपनी सॉफ्टवेयर लिख ली, कोड लिख ली, वो बाद में बेच रहा है, उसके लिए जीरो कॉस्ट ली जाएगी। चलिए मैं आपकी बात को गार्लैंड करके आगे बढ़ता हूं। अब आप सेक्शन 56 पे सर, आपकी बात को फूल चढ़ा के आगे बढ़ रहा हूं। 56, अब 56 सेक्शन क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें भी क्या होता है राजेश भाई, हर एक साल कोई ना कोई नई चीज ऐड हो जाती है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था वो, सॉरी सेक्शन 10 के अंदर उन्होंने माना कि कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की तरह ले रहे हैं और बहुत हैवी प्रीमियम कराते हैं, और पॉलिसी नहीं है वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो उन्होंने कहा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस के लिए तुमने पहले ही बोला था कि इन्वेस्टमेंट वाला नहीं फंडा चलेगा और 1010D का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा, तो खिवानी जी इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी वो चीज डाल दी है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं और जिनमें असेसी का जो प्रीमियम अमाउंट है वो पर्टिकुलर एक अमाउंट से जितना मैं समझ पाया शायद 5 लाख रुपए है, जो सेक्शन 1010D में उन्होंने कहा बाहर हो जाएगा, उसकी टैक्सेबिलिटी उन्होंने 56 में कॉरेस्पॉन्डिंग कर दिया। नोट कर लीजिए कि 10 सबसेक्शन 10D में वहां उन्होंने उसको बाहर कर दिया है कि कैपिटल उसमें एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, उन्हीं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मिलेगी जिनमें आपने जिनमें जो आदमी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका इंटेंशन इन्वेस्टमेंट का नहीं है और वो कम अमाउंट का है, 5 लाख से कम उसका कुछ अमाउंट उन्होंने वो मॉनिटरी थ्रेशोल्ड डाला जितना मेरे को याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा, और उसको जो बाद में जब टैक्सेशन होगी सर तो वो टैक्सेशन कब होगी, जैसे इसमें लिखा है 56 सेक्शन में क्लॉज इंसर्ट कर दिया है सबसेक्शन 2 में, वेयर एनी सम इज रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन द सम रिसीव्ड अंडर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बीइंग द इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज 4 व्हिच इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम ऑफ द सेसी एज पर 1010D। तो जो 1010D से बाहर हो गई वो 56 के अंदर आ जाएगी जो इन्होंने उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज कर दिया सर। तो कहने का मतलब यही है कि वो एग्जेम्पशन की तरह, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार अग्रवाल साहब कि ये जो सारी सेक्शंस हैं इनके बिल्कुल क्लियर रडार पे हैं कि कोई भी सेक्शन जो ओसवाल जी इसको अब्यूज करेगा या ज्यादा उसको मतलब जो जो गवर्नमेंट इनको नहीं चाहती वो लेगा, वो उनको नहीं देना चाहते। सेक्शन 72A, इसमें उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मैडम ने ऑनरेबल एफएम मैडम ने बोला भी था कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस वाला इंसेंटिव है राजेश भाई, उन्होंने 72A में संशोधन किया है। ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए नहीं है क्योंकि वो एक दो के लिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो सेक्शन है सर जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन 79 में, जहां 7 साल था वो तो 10 कर दिया है, चलिए इसका भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक 115 BAC
देखिए सर फिर मैं कैविएट देकर बोल रहा हूँ खिवानी जी एंड प्लीज अप्रिशिएट मी एंड डोंट टेक मी अदरवाइज ओसवाल जी 115 बी कैपिटल एसी मैं कभी इसको प्रैक्टिकली नहीं करता हूँ पर क्योंकि चेंज हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है मैडम ने सबसे पहले इसी की बात करी थी जिसमें उन्होंने 6 स्लैब बात करा है तो उसमें उनका कहना ये ऑप्शनल है ये टैक्स स्कीम 115 बी कैपिटल एसी वाली और उसमें शायद पहले जिनको मिलता था अब जिनको मिलेगा उसमें पहले तो मेरे ख्याल से सर इंडिविजुअल और एचयूएफ ही थे अब उसके अलावा सबसेक्शन 1A जो डाला है आप नोट कर लीजिए शिवानी जी 115 बीएसी के अंदर एक सबसेक्शन 1A डाला है जिसकी वजह से जो कटवालिया जी पहले लोग नहीं आते थे इसके अंदर वो भी आ जाएंगे बट ये ऑप्शनल स्कीम है टैक्सेशन की जैसे आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको स्पेशल रिजिम में जाना है या आपको नॉर्मल रहना है नॉर्मल में रहना है मेरे को इतना समझ में आया तो मैं क्या कहूंगा जैन साहब मेरे पास कोई सीए साहब आएंगे मैं तो पहले उनको बोलूंगा कि भैया तुम ही एनालाइज करके लाओ वर्किंग करके लाओ कि तुम्हारे लिए कौन सा बेटर है और कौन सा नहीं है तो 115 बीएसी के अंदर जो सबसेक्शन 1A डाला है उसके अंदर उन्होंने वो सारी परंपराएं या कंडीशन या जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले भी थी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए वो उसको खिवानी जी उसके साथ कैरी ओवर भी करेंगे ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बेनिफिट भी ले लें और आपको और बेनिफिट भी मिल जाएं उन्होंने काफी सारे बोला कि अगर आप यहाँ वाले कंसेशनल रेट पाएंगे तो आपको और बेनिफिट जो उन्होंने आगे बोला कि आपको नहीं मिलेंगे उसमें काफी बड़ी सूची है उसकी उसका लिस्ट काफी लंबा है चलिए सर तो ये 115 बीएसी आप नोट कर लीजिए आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा जो आपके क्लाइंट है क्योंकि आपको कंप्यूटेशन बनाना है क्योंकि कई बार क्लाइंट हम लोगों पे ही डाल देता है मतलब जो भी सीए हमारे सीए भाइयों पे डाल देता है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा सर मेरे पास लग्जरी ये है कि सर खिवानी जी की मैं वकील लिटिगेशन का मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे को ज्यादा अभी के लिए तो पढ़ना है बट बाद में मुझे याद नहीं रखने की ज्यादा इसको जरूरत नहीं है आगे बढ़ू सर इसमें अब भाई डिफॉल्ट कर दिया ना न्यू रिजिम में इफ यू हैव टू गो टू द पहले डिफॉल्ट था ओल्ड रिजिम अब डिफॉल्ट कर दिया न्यू रिजिम न्यू रिजिम में तो जाना ही है अनलेस यू स्पेशली ऑप्ट फॉर गोइंग टू ओल्ड स्कीम तो प्लीज नोट दिस पॉइंट सी द दिस इज द सेज पर्सन्स पॉइंट यही चीज होती है जो आई एडमायर इट सर इन्होंने कहा कि सर जो ये 115 बीएसी डिफॉल्ट रूल हो गया पहले ही प्रिज्म से नहीं मानी जाएगी कि आप इसके अंदर हैं जब तक आप इसको ये ना कहें कि ये हमें कबूल नहीं है तलाक तलाक करें ऐसा ही कह रहे हैं ना ये कुछ और कह रहे हैं जी सर बिल्कुल ठीक है यस सर मैं सही समझ पाया हूं बिल्कुल बिल्कुल ठीक थैंक यू खिवानी जी फॉर री एक्सप्लेनिंग 115 बीएई जो नई कॉपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटीज हैं उनके लिए नया वर्ड भी इसमें न्यू वर्ड भी लिखा है टैक्सेशन ऑफ इनकम ऑफ सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज उनकी इनकम 15% की दर से टैक्स होगी उन्होंने पहले ही बोला है एफएम मैडम ने कि हम चाहते हैं देश के अंदर कॉपरेशन मूवमेंट फिर से आए क्रांतिकारी आए तो ये 115 बी कैपिटल ए इन सेक्शनों के खिवानी जी नाम ऐसे हो गए इनको याद करना समझाना और रट्टा मारना बड़ा डिफिकल्ट होता है 115 बी ए ये भी सेक्शन बड़ा लंबा चौड़ा है वो जो पहले आया था ना एक राजेश भाई कि जिसमें वो कंपनीज के लिए था न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ये कॉपरेटिव्स के लिए है और उसमें भी क्या होगा वो और उसमें भी वो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इसमें दो मुद्दे हुए खितपालिया जी कि तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और एक कॉपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देना पर भाई साहब इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आप नोट कर लीजिए जैसे खिवानी जी पहले भी बता रहे थे कि वो बात की 1/4/2023 के बाद आप सेटअप करेंगे 31 मार्च 2024 से पहले पावा साहब 1/4/2023 के बाद कॉपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो भी आप करेंगे और 31 मार्च 2024 से पहले ये उसका पीरियड दिया हुआ है उसकी स्थापना का जो उसकी आने का सेटअप का और बाकी कुछ कंडीशन है कि पुराने यूनिट को आप नया बना दें ऐसा नहीं कर सकते वो सब पहले भी थी कंडीशन स्प्लिटिंग अप करके और नया बनाकर उसको कि माने तो 115 बी कैपिटल ए कैपिटल ई हो गया टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज सर नाउ आई स्विच ओवर टू द अनदर सेक्शन सर दैट इज 115 बी बी जे अब आज पता नहीं हमारे यहाँ कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई और इसको अदरवाइज ना ले खिवानी जी मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन गेम नहीं खेली है ओसवाल जी आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं आपने भी नहीं खेली होगी कौन कौन ऐसा लग रहा है शर्मा जी आपने खेली किसने खेली 115 बी बी जे ये है कि जो विनिंग ऑनलाइन गेम से होती है उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन डाला है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लॉटरी वाला विनिंग वाला गेम बेल वाला सब है पहले से और ये 30% पे टैक्स होता है ये भी 30% के लिए है बट इसमें फंडा क्या है खिवानी जी की नेट विनिंग्स होंगी जो वो ये बताएंगे कैसे निकाली जाएगी ऑनलाइन गेम में उसके ऊपर आपको स्पेशल 30% की दर से टैक्स देना है 115 बीबीजे के तहत नेट विनिंग पे नेट विनिंग कैसे कंप्यूट होगी प्रिस्क्राइब होगी और कौन से गेम पे ऑनलाइन गेम की परिभाषा 115 बीबीजे में दी हुई मेरा कहना यह है मैं जैसे अपने तरीके से पढ़ने वाली बात बता रहा हूं राजेश भाई कि आज मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन गेम पे करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए किसी का लक अच्छा भी हो सकता है कोई बुरी बात नहीं
मैं क्वेश्चन है आप लोगों से, आप इसको सोचिएगा बाद में, तो उसको 30% ही देना इसमें लिखा हुआ है सर। और मेरे हमेशा खिवानी जी मेरे मन में एक विचार रहता है कि वो सेक्शन 115 बीबी कैसे जस्टिफाई हो रहा है सर, 68 वाली इनकम तो आज भी 60% टैक्स हो रही है। और ये सारी धमीजा जी सही समझ रहे हैं, देखो हंस रहे। तो धमीजा जी ये बताइए, ये 115 बीबी जे एक ये सब 30% पे आज भी गवर्नमेंट की इंटेंशन इनको 30% से ऊपर टैक्स करने की नहीं है, तो वो 68 वाली उससे गंदी इनकम है क्या? I believe I am not making nonsense point. No, you are correct. Any option? क्या online gambling का tax 30% है, बाकी भूल जाओ। अरे सर वो तो भूल ही जाते हैं हम, हमारा हम हमारे कभी शक्ति दिए हुआ है ठाकुर जी। सर इसमें skill और luck साथ में involve हो गया। luck भी involve हो गया ना इसमें। पता है क्या अग्रवाल साहब मेरे से एक दिन पूछेंगे, राजेश भाई सॉरी बुरा मत मानिए, ये बड़े वो है विद्वान, ये कहेंगे 10 करोड़ रुपए मेरे पास इनकम आ गई है। 115 बीबी जे लगेगा या 115 बीबी ई लगेगा? आप इसका उत्तर दीजिए, मैं नहीं दूंगा कुछ उत्तर, मुझे नहीं पता भाई। अरे भैया जिसके 10 करोड़ इनकम आ गई वो कहेगा ऑनलाइन गेम में मुझे 30% मिल रहा है 115 बीबी जे का, मैं उसका ग्राहक बनाऊंगा या 115 बीबी ई का ग्राहक बनूंगा? नहीं उसका प्रूफ तो चाहिए ना सर ऑनलाइन गेम का। अरे साहब क्या बात कह दिया, तो इसका मतलब ये भी चाहिए कि जिसने दिया उसको जिससे जीते हैं उसके देने की क्षमता थी नहीं थी? नहीं मैं अभी अभी आगे बाद में बात करेंगे, प्लीज रुक जाइए छोड़िए। आप कहेंगे लॉटरी वाले से कहां पूछा जाता है कि लॉटरी वाला पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता? अरे छोड़िए सर, अभी मेरा सेमिनार 419 लोग भी सुन रहे हैं और आगे भी ये डाल देंगे, अभी क्या होगा, अभी क्या फायदा, छोड़िए 132 और वैसे भी क्या है, मैं बाकी बिहारी का छोटा सा, तू मेरी शक्ति बहुत वैसे बोलने में हो जाती है पर मैं बहुत कमजोर आदमी, आप लोगों का आशीर्वाद रहता है तो थोड़ा फूल के वो हो जाता हूँ। 132 सेक्शन सर, ये सर्च एंड सीजर, ये मेरे को शर्मा जी आप सही मुस्कुरा रहे, देखिए मैं जब इसका मेमोरेंडम पढ़ रहा था भाई साहब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो कह रहे हैं कि अब इतना कुछ टेक्नोलॉजीकरण हो गया है, अभी किसी के यहाँ सर्च करने जाना है तो सबको साथ लेकर जाना है, सबको साथ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सबको साथ मतलब कारपेंटर वर्ड लिखा हुआ है उसमें, मेरे को ये समझ में नहीं आया व्हाट इज द मीनिंग, ये मैं आप कंट्रोल एफ करिए मेमोरेंडम में कारपेंटर वर्ड डालिए और मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ आपको पता लग जाए। अब वो खिवानी जी क्या कहना चाहते हैं, खिवानी जी पुराने सर्च के सीए रहे और बहुत सर्च देखी है, तो खिवानी जी अब ये देखिए कि कह रहे हैं कि जिसके हम जा रहे हैं हमें बहुत स्पेशलाइज टीम की भी जरूरत है। yes. आप कहेंगे प्रॉब्लम है मिस्टर गोयल, व्हाट इज द प्रॉब्लम टू यू, आई एम नॉट हैविंग प्रॉब्लम, आई एम जस्ट टेलिंग वन पॉइंट कि दैट व्हाट दे आर सेइंग अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 2 इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे रिक्विजिशन द सर्विसेज ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, ये सब तो ठीक है सर, any person or entity as may be approved by the concerned DG investigation to assist him for any purpose specified in subsection 1 of search. अब बड़ा interesting ये है कि खिवानी जी कि इसमें कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, तो उन्होंने उसकी जिक्र मेमोरेंडम में किया, इसलिए मैंने वो कारपेंटर और ओक स्मिथ क्या क्या लिखा है उन्होंने कि वो बहुत कोई लोग ला सकते हैं और उनको वैल्यूएशन करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो ये सर्च होना किसी के ऊपर और ये सब लोग आना सर, मेरे को तो सुनकर ही घबराहट होने लग जाती है, कैसे होगा पता नहीं, एक जिसको होगा जो फेस करेगा उसको भगवान बाकी बिहारी शक्ति दे सर झेलने की। और सर वो कन्नौज वाला केस हुआ ना जिसमें वो सेंट वाला था, तो वहां पर वो जो नीचे बेसमेंट्स में वो तोड़ी गई तो उसके लिए वो स्पेशल काइंड ऑफ पीपल वर कॉल्ड। नमीना जी आप बड़े हैं मेरे से, मैं आपको काटना नहीं चाहता आपकी बात को और मेरी बात को दृष्टा मतलब मेरी बात को अदरवाइज ना लें, मैं इसको आपने बोला है जिससे बोल रहा हूँ कि ऐसा क्या आसमान टूट रहा है किसी आदमी के आप सर्च करने आ गए और वो आपकी रडार में भी आप उसको टैक्स रिटर्न भी देता है तो आपको सब कुछ उसी समय कराना है? आई एम सॉरी आर यू सेइंग दिस कि दैट ही इज गोइंग अवे, एवरीबॉडी इज नीरव मोदी, एवरीबॉडी इज फ्लाइंग फ्रॉम दिस कंट्री, एवरीबॉडी हैज टू बी कॉट एंड एब्सोल्यूटली असेस इन द सर्च, आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक लाइक दिस, आपने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं नहीं व्हाट यू आर ट्राइंग क्वेश्चन इज दिस सर, मेरी सर्च होने के बाद ठीक है लेकिन बात ये है कि उस समय वो अगर कोई एक ऐसे वॉल्ट है या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं कोई और चीजें हैं। सर 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 आप मेरे से बहुत बड़े हैं और आपको सब पता है कि ये जो पावर है इनका खिवानी जी इस्तेमाल अच्छे के लिए होता है, जस्टिस करने के लिए होता है, ऑब्जेक्टिव व्यू लेने के लिए होता है, अप्रेजल रिपोर्ट बेटर मतलब जुडिशियस अप्रेजल रिपोर्ट बनाने के लिए होता है, या एक इसको किस डायरेक्शन में यूज किया जाता है, आई शुड नॉट स्पीक एलोबोरेट ऑन दिस इज ओपन ओपन नाउ। सर वो तो कल को जेवीसी भी ले आएंगे फिर तो That is what I'm submitting, दादा, जैन साहब आपने
See, it's not a question of JVC, but आजकल cloud पे जो data चला जाता है उसको different type of cloud. हिमानी जी एक समस्या है, समस्या दादा एक point की है, आपने तो उसमें लिख दिया कि पूरा वासुदेव कुटुंबकम यहाँ लगा दिया है सर. Yes. ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, वासुदेव कुटुंबकम वर्ड बजट में भी लिखा हुआ है सर. ये सेक्शन 142 पे आ जाते हैं, 132 की बात हो गई है उस वक्त समझ गए क्या. बिल्कुल जी अभी रहने दीजिए, ज्यादा मत बोलिए. सेक्शन 142 पे आ जाइए. ये भी जी मेरी 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 लाइफ का अपना जो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक आदमी की इन्वेंट्री को वैल्यू कराने के लिए स्पेशल ऑडिटर हो सकता है. भैया कौन होगा ये तो बाद की बात है दादा, आप आगे चले गए. देखिए यही चीज सीए की और हमारी साथ, मैं अभी पीछे हूँ. मेरी कम समझ की बात सुनिए कि आप इन्वेंटरी वैल्यू करने के लिए सेक्शन 142 में लिख रहे हैं कि एओ इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग टू चेक यूर अंडर वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी कैन रेफर द मैटर टू द एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट. माइंड इज अगेन बेसिक क्वेश्चन विच इज अगेन रूट पॉइंट आई वॉज डिस्कसिंग विद अदर लर्नेड सीनियर फ्रेंड. तो मेरा पॉइंट ये था कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, ये तो आज से नहीं, कई जगह बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखी हुई है. और अल्टीमेटली ये चीज है तो रेवेन्यू न्यूट्रल. ऐसा तो नहीं होता ना कि आप किसी चीज को आज अंडर वैल्यू भी कर ले दुआ जी, तो वो भविष्य में जब आप उसको बेचेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो तो टैक्स हो ही जाएगा जीवन काल के दौरान. नहीं वो जी मेरे को पॉइंट बताने दीजिए, उसमें क्या लिखा है मेमोरेंडम में कि परमानेंट डेफरल ऑफ द टैक्स फ्रॉम अंडर वैल्यूएशन. परमानेंट कैसे होता है ये अंडर वैल्यूएशन से, ये मेरे नहीं समझ में. आप लोग समझाइए क्या किसी चीज को स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने से कोई आदमी परमानेंटली टैक्स नेट को स्किप कर सकता है, ये क्वेश्चन है. नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. तो भैया फिर वो मेमोरेंडम में कैसे लिखा आप देख लीजिए, परमानेंट वर्ड लिखा है इसके लिए लाए. ठीक है मतलब अब अल्टीमेटली मेरा खिवानी जी दूसरा पर्सन है. मान लीजिए किसी किसी केस में ये वैल्यूएशन हो गई और आपको लकी लो, इसी वैल्यूएशन का भी मैं बोलना नहीं चाहता विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर प्रोफेशनल कि ये कैसे होती है ओसवाल जी और इनमें क्या क्या मैकेनिज्म चलता है वो हमने देखा अपने बड़ों के थ्रू. पर कीपिंग दैट एट असाइड, अगर मान लीजिए किसी का लक अच्छा हुआ तभी तो खिवानी जी उसका वो मानेगा जो उसने वैल्यू किया है. और ये वैल्यू कब होगी, आपका क्लोजिंग स्टॉक तो पहले का होगा और वैल्यूएशन आज हो रही होगी सर 2-3 साल बाद, तो उसके अंदर कागजों पर ही तो चलेगा सब कुछ. Yes. Am I right or wrong? That's right. But there could be a point of view that you are trying to defer your tax liability to some other subsequent year. नहीं पर दादा ये ठीक है, ये पॉइंट आपने फिर बोला है कि गोयल साहब एक के बजाय मैं दूसरे साल में टैक्स दे दूंगा, तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेल इंडस्ट्रीज में 358 आईटीआर 295 में क्यों बोल रखा है कि इस बात पे झगड़ा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज अगर एसएससी बोलता है इस साल में है और डिपार्टमेंट बोलता है दूसरे साल में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है इस पे लड़ाई ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो रेवेन्यू न्यूट्रल है. वो रेवेन्यू न्यूट्रल थ्योरी कहां से पैदा हो गई सर, जहां पर वो होगा. और ये आई एम सॉरी धमीजा जी, इट इज नॉट क्वांटिटी डिफरेंस केस, इट इज ए केस वेयर वैल्यूएशन का डिफरेंस का बात हो रहा है सिर्फ. सर एक इसमें वो चीज हो सकती है कि जहां पर वैल्यूएशन अंडर वैल्यू करी और उसके बाद बिजनेस क्लोज हो गया. पापा जी मैं बताता हूं आपको, आप ज्यादा समझे. खराब हो गया कोई क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास ऐसा है जिसको मुझे लगता है जिसकी कीमत बिल्कुल जीरो है या मॉडी कम है, नेगलिजिबल है, मैं वैल्यू कर देता हूं धमीजा जी कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस पे जो लॉ मुझे अलाउ करता है. अब क्या डिपार्टमेंट को ओसवाल जी कह सकता है या कोई दूसरा आदमी की नहीं इसकी ज्यादा होनी चाहिए और उस पे टैक्स आप अभी दे दो, मेरी अगले सालों की सारी अकाउंटिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगी. वो बिल्कुल परमानेंट, अनलेस बिजनेस इज क्लोज्ड वो परमानेंट हो ही नहीं सकती. नहीं फिर उसका अगला क्या होगा, वो आगे 154 हो गए उनके अपने ऑटोमेटिकली अगर ये. सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, वन सेकंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने जब चीज इंपोर्ट की मेरा स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक पर डॉलर था 65 रुपीस का, आप आज 80 रुपए है, मेरी कॉस्ट प्राइस तो 65 रुपीस ही आने, जब मैं सेल करूंगा मेरा प्रॉफिट आएगा. सर उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, इशू यहां पर ये हो रहा है वो तो ऑटोमेटिक सर वैल्यूएशन डिफरेंस है, आप वैल्यूएशन में फर्क आएगा, एक रुपए पे रह गया और एक रुपया परमानेंट डिफरेंस करके टैक्स लगाने की बात हो रही है, एक रुपया नहीं है वो 60 रुपए दोबारा होगा. नो सर यही है ना. ठीक है पापा जी, पर इट इज नॉट लाइक दिस कि यू आर टैक्सिंग दिस इनकम एज ए, वो तो उसमें ये लिख रहे हैं कि हम वैल्यू कर देंगे अगर हमें लगेगा आपकी अंडर वैल्यूएशन हुई है पर्टिकुलर चीफ कमिश्नर साहब के अप्रूवल से वैल्यूएशन को केस चला जाएगा उस कॉस्ट अकाउंटेंट को. लेट अस से उस कॉस्ट अकाउंटेंट ने उस चीज को, क्योंकि वैल्यूएशन इज नॉट ए एग्जैक्ट साइंस, यू विल अप्रिशिएट विद मी, आई एम टॉकिंग इन ए वेरी लेमन सेंस, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस की इतनी चीज की कीमत है. परसेप्शन वैल्यू भी होती है सर, तो किसी की
चीज की वैल्यू 100 रुपए, किसी की 200 है, किसी की 500 है। मैं कह रहा हूं उस कॉस्ट अकाउंटेंट ने किसी चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू करके भेज दी, और मैं मानता हूं, मैं एक एक्ज्यूम करके चल रहा हूं, इसके बेस पे मेरी इनकम टैक्स की फेसलेस असेसमेंट आजकल हो रही है, उनके दौरान होगा, उसमें एडिशन भी हो गया। आप मेरी बात को प्रैक्टिकली भी समझिए फिर दादा, और मैं आगे की रिटर्न भर चुका हूं खिवानी जी, ये सब कैसे होगा फिर? और मैं ये बोलना चाहता हूं बड़ी विवेकता से, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, कि इस वाले सेक्शन को तो हमारे को आने वाले टाइम में देखना होगा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी कितनी सही है नहीं, कि क्या आप सिर्फ वैल्यूएशन के बेस पे इसको स्पेशल ऑडिटर की या स्पेशल वैल्यूएशन की पावर को इन्वोक कर सकते हो, नहीं कर सकते। एनी हाउ इट इज अ टाइम बताएगा, ये मेरे माइंड में आ रहा था इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर कर लिया, इट वॉज माई ड्यूटी। अगला पॉइंट सेक्शन 148, हमारा फेवरेट सेक्शन सर। अब इन्होंने बहुत ज्यादा चेंज नहीं किए, बट कुछ चीज ऐसे किए हैं कोहली जी जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे हमसे गलती हो जाती थी कि 148 की रिटर्न पावर जी 148 का नोटिस आया, जैसे नए लॉ में भी, अभी नए लॉ की बात हो रही है जो 2021 से, उसमें खिवानी जी कोई नोटिस आया 148 का, और उसकी रिटर्न मुझे 30 दिनों में भरनी है उस वाले लॉ में जो टाइम लिमिट था अभी आज से पहले, जो अमेंडमेंट प्रपोजल से पहले, और वो 30 दिनों में नहीं, मैं नहीं भरता हूं सर, 30 दिनों के बाद भर देता हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 148 का एक नोटिस आता है, उसमें लिखा होता है कि आप 30 दिनों में रिटर्न भरेंगे। आपने राजेश भाई 30 दिनों में रिटर्न नहीं भरी, ये आप सब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। और वो 30 दिनों में अगर आपने रिटर्न नहीं भरी, मान लीजिए असेसमेंट से पहले भर दी कभी भी असेसमेंट के दौरान, तो डिपार्टमेंट ने जैन साहब क्या किया, उस वाली रिटर्न को कटवा लिया जी जो आपने 148 के बाद भरी, 30 दिनों के बाद भरी बट असेसमेंट से पहले भरी, उसको उन्होंने कई जगह 143 सबसेक्शन 2 बिना दिए ही 143(3) में असेसमेंट कर दिया 144। अब मेरे पास भी केस चल रहे हैं जो हाई कोर्ट में मैं लड़ रहा हूं, बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी, कि जहां पर डिपार्टमेंट ने उसवाल जी क्या कहा कि नहीं साहब, आपने 148 की रिटर्न तो 30 दिनों के बाद भरी थी, हमारे लिए 143(2) देना खत्म हो गया, ये रिटर्न इनवैलिड है। अब आप इस बैकग्राउंड में समझेंगे तो आपको चेंज अच्छे से समझ में आएगा। अब इन्होंने क्या लिखा है खिवानी जी, कि उन्होंने 30 दिन वाली परंपरा को तो चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि 3 महीने और एडिशनल टाइम एज एक्सटेंडेड बाय द एओ ऑन एप्लीकेशन। मतलब अब आप 148 का कोई नोटिस आज इस बजट के बाद अब आएगा, इस अमेंडमेंट के बाद पास होने के बाद फाइनेंस एक्ट के, और उसके अंदर कोई आपको रिटर्न भरना है तो वो 3 महीने और एडिशनल टाइम एज गिवन बाय द एओ। अगर आप इसके बाहर भरते हैं तो उन्होंने लिख दिया कि वो रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी, उसके लिए 143(2) देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा 144 में असेसमेंट कर सकता है। Am I with you? और 30 दिन को चेंज करके उन्होंने 3 महीने और एडिशनल टाइम एज मे बी अलाउड बाय द एओ ऑन बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मेड इन दिस रिगार्ड। तो नटशेल में चेंज क्या हुआ कि जो पहले एक फिक्स पीरियड था 30 दिनों का, उन्होंने उसको 3 महीने कर दिया पहले तो, और उसके अलावा भी एडिशनल टाइम के लिए भी स्पेस छोड़ दिया, और पर साथ में ये लिख दिया कि अगर आपने इसके बाहर रिटर्न भरी जो 3 महीने या गिवन टाइम के बाद, तो वो रिटर्न आपकी 139 की 148 की वैलिड रिटर्न नहीं मानी जाए। Am I clear? Yes. चलिए सर। Very clear. सेक्शन 149। अब देखिए, मैं इसलिए बोल रहा था पावा जी, जब मैंने पहले बोला था ना कि जैसे अब जो केस आप कहेंगे, अब देखिए मैं इसको कैसे यूज करूंगा, मेरा क्या हम्बल ओपिनियन है, जो मेरे केस बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे हैं, और पुराने केस में डिपार्टमेंट ने ओसवाल जी 148 के उन वाली पुरानी रिटर्न को वैलिड नहीं माना है, तो वो आप नहीं कह सकता क्योंकि अमेंडमेंट इफेक्ट से आज आई है। Yes. इसका मैंने आपको जजमेंट मिस्टुबिशी का पहले ही लिखवा दिया है कि पढ़ने का तरीका है, इससे ये निकल के आता है कि हम किस चीज से बेनिफिट निकाल सकते हैं, चाहे जो हम अपने लिए कैसे निकाल सकते हैं। नहीं, वो तो उसमें है मिस्टुबिशी प्रोस्पेक्टिव। आई एम क्लियर सर? यस। चलिए सेक्शन 149 में उन्होंने कहा है कि जो नया सेक्शन इनकम टैक्स में आया था, ये जब तो उन्होंने धीरे धीरे उसको बाइजर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स जब सर्च करने जाते हैं और नए लॉ में असेसमेंट करने लग रहे हैं तो उनको कुछ टाइम की कमी महसूस हो रही है, तो इन्होंने, मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि 149 में कुछ प्रोविजो डाले हैं जहां उन्होंने ये लिखा है खिवानी जी कि जो सर्च के बाद इन्फॉर्मेशन विभाग के पास आएगी 148 नए लॉ में करने के लिए, उसके लिए उसके पास उपयुक्त टाइम रहे, इसलिए उन्होंने उसको एक ग्रेस पीरियड दिया है by adding new provisos to section 149. I hope I am clear. Correct. उसका purpose क्या है कि वो उसको adequate time space देना है, वो उन्होंने किया है। वो adequate time कितना है भाई साहब? Grace period कितना है? Grace period दादा उसके अंदर ये है कि अगर वो information जैसे 15 मार्च के financial year के बाद आ रही है और period for issue of notice expires on 31 मार्च, तो उसमें उन्होंने लिखा कि 15 दिन का period exclude हो जाएगा, मतलब 15 दिन और बढ़ा दिए।
am I with you, sir? Yes, sir. ठीक है. खाई के 15 दिन बढ़ा assessment कर ले. Section 151 सर. ये भी बहुत important, बड़ा interesting, बड़ा practical, खिवानी जी, बड़ा relevant change है. मटेरियल चेंज आप नोट करिए, आपको कागज पेन लेना पड़ेगा एक मिनट के लिए और समझने के लिए, और बहुत दूरगामी चेंज बनेगा. और इसका बहुत सारे 148 जो चल रहे हैं उनका आप लोगों को, मतलब ये मेरा समझने का तरीका है, मैं अपनी बात बता देता हूँ. सेक्शन 151 जब नए लॉ में आया था 1421 से सर, तो उसमें ये लिखा हुआ है, तो 1421 से लॉ बना सर, कि 3 साल के अंदर अगर केस खुलेगा तो सीआईटी साहब की अप्रूवल, और 3 साल के बाद खुलेगा तो खिवानी जी चीफ कमिश्नर साहब के. प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. एम आई राइट ओसवाल जी? हाँ सर. अब 151 के अंदर जैसे कई बार जैसे 149 सेक्शन अगर हम पढ़ते हैं वो लिमिटेशन का सेक्शन है, 151 पढ़ते हैं तो वो उस चीज का सेक्शन है जिससे पता लगता है कि कौन आदमी किस चीज में अप्रूवल देगा. 151 के अप्रूवल के लिए 149 में, जैसे 149 में ये लिखा हुआ है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ कंटिजेंसी में जैसे कोई पीरियड स्टे हो गया नोटिस का और कुछ पीरियड बढ़ जाएगा, तो जैसे लेट अस से कि 3 साल के अंदर किसी नोटिस को मानना है तो 149 में कुछ पीरियड ऐड कर रखा है, जैसे जो एसएससी मांगेगा 148 कैपिटल के दौरान. तो खिवानी जी अब इन्होंने क्या कहा 151 में आज, अब क्या कहा है जो पहले नहीं था 2021 से, बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जो नोटिस इसके बीच में आ गया आप ध्यान से सुनिएगा, तो जो 151 2021 में था उसमें तो शुद्ध ये लिखा हुआ था कि 3 साल के अंदर है तो सीएटी की अप्रूवल, 3 साल के बाद है तो, उदाहरण ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, जैसे असेसमेंट ईयर 18-19-20 है लेटर से, और असेसमेंट ईयर 19-20 के 3 साल कब खत्म हो रहे हैं उसवाल जी? 23 में. 23 को बिल्कुल सही, आप 19-20 लिखिए. तो उसमें 23 को जब खत्म हो रहे हैं, जो मार्च आएगा उसके अंदर 149 कहता है कि जो पीरियड 148 कैपिटल ए की जो प्रायर इंक्वायरी है शो कॉज में, उसमें जो टाइम देगा वो बढ़ जाएगा 149, वो 3 साल के अंदर ऐड हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि जितना पीरियड 149 में ऐड हो रहा है उतना ही पीरियड 151 के लिए भी ऐड हो जाएगा. जो पीरियड 149 में 3 साल के लिए प्लस ऐड हो रहा है वो 151 में भी ऐड हो जाएगा. तो उसका क्या फर्क पड़ेगा खिवानी जी? तो उसमें अथॉरिटी चेंज नहीं होगी. वो कह रहे 3 साल काउंट करने के लिए, देखने के लिए 151 के पर्पज के लिए कि कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटी है, तो वो पीरियड जो 149 के प्रोविजो में ऐड हो रहा है वो यहां पर भी ऐड हो जाएगा. 3 साल 15 दिन हो जाए, राइट. अब इसका फर्क क्या पड़ा? उससे वो अथॉरिटी का लेवल वही हो गया जो फिर 3 साल में अगर आपने ऐड कर दिया तो उसे एटी रह गया. अब ये चेंज तो अब आगे से होगा ना, आगे के लिए, पुरानी अप्रूवल के लिए थोड़ी ना है. प्रोस्पेक्टिव. तो भाई साहब पकड़ गया बात को. अब यही समझ लीजिए कि ये चेक कर लीजिए आपके जो भी केसेस हैं उनमें कहां ये गड़बड़ है. आप कहेंगे गोयल साहब इसका चेंज करेगा कारण, मुझे लगता है कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी नॉलेज में कुछ रिट्स फाइल हुई थी अभी लेटेस्टली 2022 में, वहां किसी काउंसिल साहब ने ये पॉइंट लिया था कि सर ये 149 का जो एक्सटेंशन को 151 में लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, उस पर स्टे मिल गया था उसको. तो ये मुझे लगता है उसवाल जी कहीं उसी का एक. अब आ रहे हैं सेक्शन 153 पे सर, चले आगे. गमिया जी कुछ कह रहे हैं, सॉरी. I think is a consequential effect to that. जो बात मेरे दिमाग में, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, उसका ही consequence. चलिए सर, थैंक यू. 153 सेक्शन, ये भी एक मुझे लगता है खिवानी जी कि कई बार गवर्नमेंट को लगता है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि असेसमेंट का टाइम लिमिटेशन पीरियड कम होना चाहिए, कई बार बढ़ जाता है, कभी 9 महीने कर देते हैं, कभी 12 महीने कर देते हैं. ये कह रहे हैं, अब ये क्या कह रहे हैं, मतलब सॉरी मैं जो समझ पाया 153 में उन्होंने कहा कि साहब हमारे लिए 9 महीने कम पड़ रहे हैं. उनका लॉजिक क्या है कि साहब 3 महीने में तो हमें नोटिस देना होता है, उसके बाद हमें 6 महीने मिलते हैं असेसमेंट को देखने के लिए, और उसमें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी सब कुछ कैसे करेंगे. फिर से 9 महीने से कटवा लिया जी असेसमेंट के पीरियड को कंप्लीट करने के, 9 से 12 कर दिया. ये मोटा चेंज है ब्रॉडली स्पीकिंग, करेक्ट, 153 में. बट मेरे हिसाब से ये फिर रिग्रेसिव चेंज है. रिग्रेसिव कैसे हो जाएगा? जल्दी जल्दी चीजें माइंड अप हो ताकि बस्ता जल्दी बन जाए, सब कुछ जल्दी हो, रिटर्न भी केस भी जल्दी सिक्योरिटी में आए, असेसमेंट भी जल्दी कंप्लीट हो, 149 के भी 3 साल जल्दी कंप्लीट हो. तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप चाहते हैं कि खुद चीजें जल्दी सेटल हो, फाइनलिटी अटेन करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीस आए एसएससी के पास, तो ये जो बढ़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ तो हम एक हाथ से बोल रहे हैं कि हम चीजों को जल्दी कंक्लूड करना चाहते हैं, एक्सपीड होना चाहते हैं, फास्ट ट्रैक होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं कभी हम 9 महीने कर देते हैं, उससे 12 से 9 आए थे, 18 से 9 आए थे, आप देखिए, और फिर हम 9 से 12 चले गए.
It may look very simple to one, but it is not looking simple to me. In a sense, unnecessary complications of the issue. You are right, sir. उसको समझना भी आसान नहीं है कब से एप्लीकेबल होगा, फिर भी जाओ, फिर वो कौन से पीरियड के लिए लगेगा, कौन सी वाली असेसमेंट पे लगेगा, जिस दिन पेंडिंग है उस दिन लगेगा, कब लगेगा, एनी ऑफ दिस थिंग्स. 155 पे आइए सर, सेक्शन 155. दो महत्वपूर्ण चेंज, बड़े महत्वपूर्ण चेंज, और मुझे लगता है इस बजट में बहुत दिनों से प्रोफेशनल की, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और बहुत लोगों की जो एक प्रॉब्लम थी, प्रैक्टिकल समस्या थी, शायद उसको उन्होंने कुछ वो किया, क्या है, एड्रेस किया. क्या होता था कोटपालिया जी, हम आप लोग करेक्ट करना, कि जैसे मैं कपिल गोयल हूँ, मैं एक्रूवल सिस्टम पे अपनी इनकम दिखाता हूँ, और मैं अपने यहाँ एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करके इनकम दिखा देता हूँ पहले, और जो बंदा है वो टीडीएस बाद में काटता है, उसका क्रेडिट का इश्यू, क्रेडिट लेने का, समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे जो आदमी जिसको इनकम ग्रहण कर रहा है वो इनकम दिखा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, और जो टीडीएस काट रहा है ओसवाल जी, वो पर्टिकुलर दूसरे सब्सिक्वेंट पीरियड में काट रहा है, और डिफरेंट पीरियड में काट रहा है, तो उसको टीडीएस क्रेडिट का इशू आता था. तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि अगर मैंने कपिल गोयल ने एक ऑलरेडी इनकम ऑफर कर दिया एक्रूअल बेस पे, और टैक्स भी दे दिया है, मतलब उसको कंप्यूटेशन का पार्ट बना दिया है, और मुझे मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस कटा नहीं था तो मैं टीडीएस लूंगा कैसे, बाद में अगर उसका टीडीएस कटा है, तो उन्होंने कहा कि आप 155 सेक्शन के तहत जो डीम्ड रेक्टिफिकेशन होता है अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एओ क्रेडिट दे देगा. कब से कब पीरियड सर, जिस जब जब आप जिस फाइनेंशियल ईयर से आपका टैक्स कटेगा, उसके बाद आप अगर एओ के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होगा, और उसके बाद साहब आपका वेरिफिकेशन करके आपको वो टीडीएस का क्रेडिट सेक्शन 155 सब सेक्शन 20 के तहत, नोट कर लीजिए 155 सब सेक्शन 20, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि आपकी इनकम पहले से इंक्लूड जरूर होनी चाहिए दादा, बाद में टैक्स कटा होगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा. ये प्रिंसिपल अगर हम लॉ की नजर से देखें तो इट इज अ थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. किसी चीज पे कोई टैक्स कट गया है तो ये थोड़ा है कि वो बट्टे खाते चला जाएगा, सॉरी. तो ये ऐसे मैं देसी भाषा में बोल रहा हूँ. और ये कब से लागू हो गया, 1 अक्टूबर 2023 से सर. 1 अक्टूबर में ये रहे, शुड बी रेट्रोस्पेक्टिव, ये तो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, सही बात है. Curative mayor, eh? This is a nominated very law. Very sage point. You, we can try pleading this, Oswalji and Khemani ji, you are right. I agree, humbly agree with you. Because ultimately the purpose of this amendment is to give the relief to the taxpayer in the sense that it was in hardship. And this is written in the memorandum also. I agree with you that applying Vatika Township 367 ITR page 466 5 judge constitution bench decision. We can try to plead that this is a curative change and a positive side change to give relief to the SESI and should be treated as curative in nature. Vatika Township. ये शुगर केन से संबंधित चेंज है, ये भी मुझे लगा कि इस बजट में लीक से हटके चेंज है, कि गवर्नमेंट ने महसूस किया कि जो शुगर केन जो फार्मर्स को पेमेंट कर रही है और जो उनको खर्चा नहीं मिल रहा है, उन्होंने पुरानी वाली असेसमेंट को खोलने के बाद डिडक्शन देने की बात करी है. ये मेरे अनुभव में एक बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक और बहुत लॉडेबल चेंज है सर. एटलीस्ट इससे ये पता लगता है धमीजा जी, आई शुड अप्रिशिएट, मतलब जो चीज अच्छी है उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, कि ये चेंज मेरी अंडरस्टैंडिंग में, एकेडमिकल अंडरस्टैंडिंग में, इस बात को बताता है कि गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अन्याय हो रहा है कहीं बहुत सीरियस, जो शुगर केन्स हैं और उनका जो लेजिटिमेट बिजनेस एक्सपेंडिचर है वो भी नहीं मिल रहा है उनको. डिपार्टमेंट इसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान रहा था और एसएससी इसको लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर मान रहा था. तो इन्होंने कहा कि हम 155 में ही इसका वो कर देते हैं और पुरानी असेसमेंट को हम खोल के इनको डिडक्शन दे देंगे. हिमानी जी, दैट्स अ बिग थिंग. I believe this kind of magnanimity should spread over and cool it down. This magnanimity. Reduces unnecessary litigation also. 170A, right sir. 170A पे आइए सर. Section पिछली बार आया था सर. वो कह रहे हैं सुखदेव मदानी जी, which year they will give the credit? That is in the year of income shown in the ITR. Or sir, see इसमें लिखा है where any income has been included in the income tax return furnished by the SSE under 139 and tax on such income has been deducted at source and paid to the credit in accordance in a subsequent financial year, the AO shall on an application made by the SSE in such form within a period of 2 years from the end of the financial year in which tax is deducted, amend the order of intimation allowing credit in the relevant assessment year. Relevant assessment year was जिस साल की income है सर. Am I right or wrong sir? Correct. वो subsequent year के अंदर इनकम की ईयर चेंज होगी, वो इनकम का ईयर तो ही रहेगा, वो उस साल में मिलेगा जिस साल में आपकी इनकम है, जिस को दिखाया है उस साल की अमेंडमेंट होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हिमानी जी,
सेक्शन 170 कैपिटल ए सर, 170 पिछली बार भी उन्होंने ये सेक्शन डाला था, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था कि इस केस में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, अमलगामेशन हो रहा है, और एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद या पर्टिकुलर अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद आपको अपने अपने रिटर्न को मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना है, तो 170 में उन्होंने प्रैक्टिकल कंटीजेंसी को महसूस किया था, केस चल रहा है हाईकोर्ट में, मैंने एक ऑब्जर्व किया था एक केस खिवानी जी, तो वहां उसके हिसाब से मेरे हिसाब से वो केस को कवर करने के लिए अमेंडमेंट करी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई असेसमेंट के दौरान या असेसमेंट बाद भी कोई बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है जो डिफाइंड है 170 में, तो मॉडिफाइड फाइल होगी, और मॉडिफाइड रिटर्न जो कथपालिया जी फाइल करेंगे उसके हिसाब से मॉडिफाइड असेसमेंट होगी। वो असेसमेंट जो भी बाद में होगी वो चाहे पहले हो चुके तो करेक्ट होगी मॉडिफाइड रिटर्न के हिसाब से, और अगर नहीं हुई है तो मॉडिफाइड रिटर्न को मद्देनजर रखते हुए असेसमेंट की जाएगी, कर निर्धारण की जाएगी। एम आई विद यू सर? यस। चल सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आया सेक्शन सर 194 BA, ये उसका अवतार है 115 BBJ जो हम पढ़ रहे थे ना, जो ऑनलाइन गेम वाली इनकम थी कोहली जी, उसका टीडीएस सेक्शन है, जैसे उसका अवतार है 194 BA, ये उसी का ट्विन है। तो इसमें क्या टीडीएस कटेगा सर ऑनलाइन गेम के अंदर? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टीडीएस पीडीएस ये सब इनका पर्पस यही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर मैं खिवानी जी क्रिटिकली बोल रहा हूं कि जितना भी चीज टैक्स कर रहे हो उस पर टैक्स पहले ले लो। कोई मुझे बोल रहा था अभी, पता नहीं कौन बोल रहा था, आप में से कोई विद्वान मतलब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मिस्टर गोयल ये इन्होंने 20% किस मात्रा में कर दिया? मैंने कहा भैया ये टीसीएस 20% हो गया, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने दोबारा पढ़ा तो वो ऐसे ही मैंने देखा, उसके अंदर समझ में आया कि टूर वाला जो है क्लॉज और एनी अदर रेमिटेंस उस पे टीसीएस की मात्रा 20% कर दिया सर। यस, ये कौन से सर मतलब व्हाट इज द रैशनल ऑफ दैट 20%? वो पूरा मैंने पढ़ लिया मेमोरेंडम कई बार, 10-15 बार पढ़ा जैसा, मेरे समझ में नहीं आया पढ़ले, पर मैं मेरे को बता दिया अभी कैसे बता। एक ही रेशनल समझ में आता है कि थोड़ा बाहर आउट ऑफ इंडिया डॉलर जरा कम खर्च करो। हमारे आदमी को कभी खर्च ही नहीं करता सर, हमारे को मौका ही नहीं मिलता जाने का। हम तो यही आपके सामने रहते हैं। 206C में लिखा है इन्होंने कि जो टूर पैकेज वाला है सर, और एक रेमिटेंस वाले के लिए भी मुझे प्रॉब्लम है सर, इसमें पॉइंट कहना है कि 206C में जो रेमिटेंस हम कर रहे हैं, जैसे आपको पता है पिछली बार जब इन्होंने 206C का विस्तार किया था उसवाल जी, तो उसमें जब हम बाहर जो कोई आदमी अपने बच्चे के खर्चे के लिए एजुकेशन के खर्चे के लिए पैसा भेज रहा है ट्रीटमेंट के लिए, तो उस पर टीसीएस कलेक्ट की बात थी, चलो वो नॉमिनल अमाउंट था। हालांकि मेरा हमेशा ओपिनियन रहा अभी भी ओपन इशू है कि क्या जब आप अपने आप को पेमेंट कर रहे हैं खुद को पैसा भेज रहे हैं तो उसमें टीसीएस कलेक्शन कहां से हो रहा है, वो मेरे हिसाब से तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशनली डाउटफुल है, बट इन्होंने उसको बढ़ाकर 20% कर दिया आप सर उस अदर रेमिटेंस को 206C में। जमेजा जी व्हाट इज योर सेंस ऑन दैट? वही जो खिवानी साहब कह रहे हैं ना, आई थिंक दैट इज द लॉजिक। नहीं पर सर, सी टूर पैकेज की बात समझ में आ गई, चलिए जो लोग वो रिपोर्ट नहीं करते, पर आप देखिए ना देयर इज अ सेकंड पॉइंट आल्सो जिसमें 20% लगेगा कि जहां आप एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा बाहर रेमिट कर रहे हैं। सर वो बात तो ठीक है ना, बट अंडर द गाइस ऑफ दैट देयर इज लॉट ऑफ मनी व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। Secondly, where medical facilities are good in India, why should go you outside? अब ये तो नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तो बच्चों की सॉरी 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 खिवानी जी, ये वैल्यू जजमेंट हो गया विद यू रिस्पेक्ट। नाउ इट कैन बी सी इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्ट्रिक्ट टैक्स सेंस कि जब आप एक एक्सेलरेटेड मैनर में, भाई साहब यू नो बेटर व्हाट आई एम सेइंग, कि आप आज मेरे से मेरी पॉकेट से 20% मेरा पैसा मेरी मनी का पैसा ले रहे हो और उसमें आप अपेक्षा कर रहे हो कि मैं बाद में रिटर्न भर के मैं सारा टेंट्रम करूंगा असेसमेंट फेस करूंगा फिर मुझे रिफंड मिलेगा यार। ये तो ड्राइंग से है एक तरह से आपकी यार भाई साहब। सर इसका मतलब लॉजिक सिंपल ये है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ रही है तो हिंदुस्तान में बच्चों को पढ़ा, बाहर मत भेजो। सेकंडली सारे मेडिकल टूरिज्म आप सब बड़े कह रहे हैं तो मेरे पास अपनी मैं तो अपनी बात को सर बिल्कुल पीछे कर लूंगा, बट मुझे सिर्फ यही आपत्ति है कि एक तो पहले से उस कंसेप्ट के ही अभी तक कुछ फाउंडेशन मुझे समझ में नहीं आती कि जब एक आदमी अपनी सेल्फ ट्रांजेक्शन कर रहा होता है, 5 जज बेंच का कीका बाई का बहुत पुराना ऑर्डर हमने पढ़ा है जो कहता है नो टैक्स कैन बी लिविड ऑन ट्रांजेक्शन फ्रॉम सेल्फ टू सेल्फ। सर वो आज नहीं, हमारे जन्म से पहले का ऑर्डर है 24 ITR में। कपिल जी की बात बिल्कुल सही है, इट इज टेंटामाउंट टू अ राइट इंपीचमेंट ऑफ माय फंडामेंटल राइट। पता नहीं सर मेरे को तो ये कि इसका सी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ क्या कहता है खिवानी जी, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं बाद में। एनी हाउ 206C मैंने बता दिया सर क्योंकि क्या फिर बात आगे बढ़ जाएगी रह जाएगी क्योंकि मुझे वो जॉइंट कमीशन अपील पे भी आना है। 244A और 245 में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है सर। उन्होंने क्या समझा कि जिन लोगों को हमें रिफंड देना है
और हमें लगता है कि इनको रिफंड देना ये डिजर्विंग केस नहीं है कि बहुत सारी डिमांड डिमूंड निकल सकती है, तो उन्होंने 241 कैपिटल ए को सिंक्रोनाइज कर दिया है, मर्ज कर दिया है और कंबाइन कर दिया, कन्फ्लैक्ट कर दिया 245 सेक्शन। किसी को रिफंड देना है जैन साहब हमें, और हमें रिफंड विदहोल्ड करना है, तो विद चेक एंड बैलेंस डाल दिया कि स्पेशल एक सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड होगा, एक हायर अथॉरिटी की अप्रूवल होगी, उससे वो आपका रिफंड विदहोल्ड और ब्लॉक कर सकते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि ये जो सब रिफंड ब्लॉकिंग का प्रोसीजर है ये सब कंप्यूटर से चलने लग गया, उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड बहुत कम रहा है, लिटिगेशन बहुत ज्यादा रही है, हाई कोर्ट के इतने सारे इंडिया में डिसीजन आ गए हैं कि रिफंड ब्लॉकिंग शुड बी डन इन एक्सेप्शनल एंड रेयर केसेस ओनली, बट दिस पावर इज गिवन फॉर दोस केसेस जहां उन्होंने लिखा भी हुआ है कि वो कहते हैं कि जहां पर असेसी, एक तो अप्रूवल चाहिए हायर अथॉरिटी के अगर ब्लॉक कर रहे हो, और दूसरा एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि व्हाई दे आर यूजिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू स्टॉप माय रिफंड, एटलीस्ट दिस पावर कैन नॉट बी यूज्ड एंड आउट नॉट टू बी यूज्ड इन ए मैकेनाइज्ड वे, इन ए ऑटोमेटेड वे व्हिच वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ एंड व्हिच कोर्ट्स हैव सेड। आई होप लेट अस से सम वाइजर विजडम प्रिवेल्स ऑन देम इन सेक्शन 245, क्योंकि हमारा मैंने तो ऐसा भी देखा है खिवानी जी कि सर्विस टैक्स की डिमांड को रिकवर करने के लिए इनकम टैक्स का रिफंड एडजस्ट कर दिया, फिर तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर पास की कि भैया आप इनकम टैक्स में तो रह लो, मतलब इसको तो, और ये केस रिपोर्टेड केस है, ड्यूटी ड्रॉबैक भी विदाउट कर लिया, इनकम टैक्स की डिमांड है क्या सर, दोनों का लेना देना है सर, बताइए आप व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ बोथ द थिंग्स। एनीहाउ चलिए, इसका सेक्शन 241A को लेकर वो 241A में जो पहले पावर थी लिमिटेड, उसको 245 में मर्ज कर दिया उन्होंने, सेट ऑफ एंड विदहोल्डिंग ऑफ रिफंड इन सर्टेन केसेस। नाउ सेक्शन 246 सर, ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स, उन्होंने एक लिस्ट दी है कि कौन से ऑर्डर्स एलिजिबल ऑर्डर्स होंगे, अपीलेबल ऑर्डर होंगे जो ज्वाइंट कमिश्नर अपील के सम्मुख चैलेंज हो सकते हैं कोले जी, अगर उनको पढ़ा जाए तो उनमें ज्यादातर ऑर्डर तो वही है जो जनरली हम लोग फेस करते हैं, 143(1) की इंटीमेशन हो गई, 143(3) हो गया, बट इसमें क्लॉज है कि जो बताता है कि कौन से ऑर्डर, वीरेंद्र जी को राम राम, कौन से पर्टिकुलर ऑर्डर्स इसमें नहीं आएंगे जो इन्होंने स्टेच्यूट में ही लिख दिया, वो आप सब नोट कर लीजिए कि ज्वाइंट कमिश्नर अपील ये कर ही नहीं पाएगा, मतलब ये केस नहीं सुन पाएगा, कौन से, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड बिफोर द जेसी अपील्स इफ एन ऑर्डर रेफर्ड टू इन दिस सबसेक्शन इज पास्ड बाय और विद प्रायर अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी अबव द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर। मैं सरलीकरण कर देता हूं, जो सारे सर्च असेसमेंट होते हैं वो रेंज हेड के अप्रूवल से होते हैं, वो इसमें नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जो केस डिप्टी कमिश्नर की ऊपर की अथॉरिटी पास कर रही है फाइनल ऑर्डर, लेट अस से ज्वाइंट कमिश्नर ऑर्डर पास कर रहा है एज एन ऑफिसर, तो भी वो ज्वाइंट कमिश्नर का ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर अपील कैसे सुनेगा, वो तो उसके ऊपर अथॉरिटी ही सुनेगी, ये तो नॉर्मल प्रिंसिपल। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजो डाला है कि वो केसेस ही जा पाएंगे जहां पर डिप्टी कमिश्नर के लेवल का ऑफिसर या तो ऑर्डर पास कर रहा है और उसमें कोई हायर अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं, और जो भी ऑर्डर पास हो रहा है अगर वो हायर अथॉरिटी के अप्रूवल से पास हो रहा है दैट इज ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या सीआईटी, वो ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास अपीलेबल नहीं होगा। Am I clear on this point, sir? Absolutely. इसके अंदर दूसरा पॉइंट उन्होंने डाला है कि कुछ रूल मेकिंग पावर्स दिए हैं सीबीडीटी को कि बिजनेस का रूल चेक करने के लिए कि कुछ पुरानी ओल्ड अपीलों को जो आज की तारीख में फेसलेस अपील में पेंडिंग है सर, उनको ज्वाइंट कमिश्नर अपील के सामने माइग्रेट कराना है तो वो कर सकते हैं, पर उसके अंदर ये जो एलिजिबल ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जो टाइप ऑफ ऑर्डर्स और जो स्टेट्यूट का मैंडेट है वो सब वीरेंद्र जी को ध्यान में रख के ही माइग्रेशन होगा, मतलब ऐसा नहीं कि सीआईटी अपील से आप वो केस उसके पास ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास ले आइए जो इसमें मना करा हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट सर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस ज्वाइंट कमिश्नर अपील मैंने शुरू में भी बोल दिया था इसलिए मैं ज्यादा अभी नहीं बोल रहा हूँ इसके ऊपर कि अभी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आगे आने वाले टाइम में हम सबका फोकस एक नया पैरेलल इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो गया है एक किस्म सीएटी के जोन में, और वो कैसे काम करता है ये उत्सुकता एंजाइटी हम सब में रही, देखते हैं कितना फास्ट ट्रैक हो पाता है सर सीएटी का जॉइंट कमिश्नर अपील का सिस्टम। इसका फॉर्म भी क्या सेपरेट आएगा, लेट अस सी कैसे इसको कैसे करते हैं खिवानी जी। आई थिंक दे विल हैव ओनली वन फॉर्म, दे विल एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर वी फाइल। नहीं बट इसमें एक जगह लिखा हुआ है ऊपर सर कि कुछ अपीलें जो पर्टिकुलर सेक्शन की हैं और जो पर्टिकुलर अमाउंट से कम की हैं वो डायरेक्टली जेसी अपील के पास चली जाएंगी, सेक्शन में भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं ये सेंस, और मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है केसेस पेंडेंसी कम करने के लिए, जहां तक मेरे को लग रहा है
पेंडेंसी सर, जैसे एक केस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिमिट इज 15 लाख रुपीस एडिशन बाय द इन द असेसमेंट ऑर्डर और मैंने एक एडिशनल क्लेम डाला था ड्यूरिंग असेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर 3 लाख रुपीस, अब ये वाला केस कमिश्नर के पास जाएगा कि जॉइंट कमिश्नर के पास जाएगा? सर ये जो अनुभवी लोग होते हैं ना इनके क्वेश्चनों का आंसर देना इतना मुश्किल होता है कई बार, मैं सोचता हूँ बाकी बिहारी मेरी मदद, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या क्या कह रहे गोयल साहब, अभी तो क्वेश्चन बना ही नहीं लो हम और आप, अभी तो क्या करेंगे अभी इसका 360 डिग्री एनालिसिस करना चालू कर देंगे, क्वेश्चन इज अ सेंसफुल क्वेश्चन, दैट इज आई वांटेड टू से, आई एम गेटिंग व्हाट यू आर कमिंग फ्रॉम योर साइड कि मिस्टर गोयल व्हाट विल बी द सिनेरियो व्हेन इफ सम एडिशनल क्लेम आफ्टर गोयल जी हम सीएटीपी के सामने फर्स्ट अथॉरिटी के सामने नया क्लेम कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है विप्रो लिमिटेड, एनी हाउ उसका क्या सिचुएशन बनेगा? करेक्ट, कहने का मतलब ये है कि सर ये तो जब अथॉरिटी के रूल्स ये मॉडिफाई कर जो नोटिफाई करेंगे तब आपको हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इसका तो सेशन एक अलग से और रखना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है जो लोग अपीलेट अथॉरिटीज को फेस कर रहे हैं वीरेंद्र जी उनको तो सीखना ही पड़ेगा भैया ये काम, और आजकल तो फेसलेस हो गया है तो हमारे को तो सबको अपील का सीखना ही है, काम कर ही रहे हैं हम। मैं आगे बढ़ता हूं सर, सेक्शन 253, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है बस 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। 253 सी में ट्रिब्यूनल के पास जब हम क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं उसका थोड़ा उन्होंने विस्तारीकरण किया है कि क्रॉस ऑब्जेक्शन जहां पहले फाइल नहीं हो पा रहा था उस वाली अब वहां फाइल हो पाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि जहां कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन आ रहा था सेक्शन 253 सब सेक्शन 4 का। सर नो अग्रवाल साहब, फेसलेस अपील पहले से ही है वो, और वो भी ज्वाइंट कमिश्नर अपील को भी वो उन्होंने लिखा है कि हम नोटिफाई करेंगे, आपका क्वेश्चन जो है ना कि गोयल साहब ये फेसलेस रहेगा या जा सकते, देखिए कितना इंटरेस्ट है हमारे दोस्तों को मिलने में, सॉरी वीरेंद्र जी भी हंस रहे भैया, मिला अभी आप सोचिए मुलाकात का अभी नहीं होगा ज्यादा, अभी आप फेसलेस युग में है, आप ज्यादा मुलाकात की जैसे भगवान ने भी कहा है रामचरितमानस में ज्यादा एक्सपेक्टेशन वही रखनी चाहिए जो हो सके, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए जीवन के अंदर, और इसमें मत किया ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा, आप किसी और से पूछेंगे तो हो सकता है कोई और व्यू पॉइंट भी निकल के आ जाए, एनीहाउ तो सेक्शन 253 क्या कह रहा है सर कि क्रॉस ऑब्जेक्शन जो फाइल कर सकते हैं उसका उन्होंने थोड़ा सा विस्तारीकरण कर दिया। Too much of time on this. I will straightway come to section 269 SS and 269T. उन्होंने cooperative society को फिर लीवे दिया है ज्यादा amount में cash transaction करने का जो आज की तारीख में उनके पास नहीं था। ये purpose यही है कि cooperative transactions को cooperative societies को जो particular notified है इसमें primary agriculture credit society है और एक primary cooperative agriculture and rural development bank है। तो इनको इंदर जी कहा है कि वो जो criteria था 20,000 का ना होकर 2690 में 2,00,000 हो जाए, उनको एक लैटिट्यूड दे दिया, वाइडर ग्राउंड दे दिया उसको करने का। अब सर बाकी के सेक्शनों में जैसे जो लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइल करते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो ढंग से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रॉपरली फाइल नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगी। प्रोसिक्यूशन के अंदर उन्होंने ये अमेंडमेंट भी कर दिया है कि जो लोग टीडीएस काट रहे हैं वो सावधानी बरते, जिस चीज पे टीडीएस काटना है चाहे वो काइंड में है और ढंग से काटे और नहीं काटे तो जेल की यात्रा करने पड़ सकती है और उसके अंदर कंपाउंडिंग भी कराने पड़ सकती है। बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर बेनामी लॉ में उन्होंने जो अपील का कुछ टाइम लिमिट था सेक्शन 45 में उन्होंने कहा कि साहब इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास ऑर्डर बाद में आते हैं, उसमें उन्होंने उसको लिख दिया कि जब से ऑर्डर मिलेगा उससे 45 दिन काउंट होंगे अपील फाइलिंग में, बेनामी अथॉरिटी के ऑर्डर को जब क्रिमिनल में ले जाना है तो 45 दिन भी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर नॉट फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जमीजा जी ये मेरी यात्रा खत्म हुई यहाँ पर, ये माला तो इस माला 1942 हो गए हैं और चेंजेस मैं ये भी बोल रहा हूँ बड़ी विनम्रता से सबसे वो करते हुए कि सर देखिए हम पहले दिन में हैं, मेरे को मैंने जितना मैं समझ पाया अपनी शक्ति से मैंने आपको बताया, हो सकता है कुछ त्रुटि भी नहीं होंगी और हो सकता है उसके अंदर कोई बात अभी रह भी गई होगी और हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, इससे लर्निंग इज एन इवोल्यूशन, अब्दुल जकर साहब ऑलवेज यूज्ड टू से, so I can never say ki that I have completely done justice to the duty given to me by the organizers sir, but still I would say ki that it is like this ki that more we read Virender ji more we learn and learning always gives us additional viewpoints, this is a subject where we when we go to court sir humne jis cheez ko 100 baar padha hota hai aur jab hum usko 101vi baar padhte hain to hame lagta hai ki nahi sir ye angle to humne socha hi nahi tha, aisa bhi ho sakta hai kya, अंदाज रहना चाहिए, ये मेरी बिडम छोटे के बातें भावना है, मेरी बात को कोई भी अपशब्द को आप मतलब मैंने कोई भी बात अगर कही हो आपको अजीब मतलब मैंने बीच में इसलिए भी बोला कि मैं तेज मैं जैसे चलता हूँ मैं बोलता हूँ वैसे ही रह पाता हूँ, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा तो फिर मैं अपनी बात कही नहीं पाऊंगा। ठीक है आप ठीक स्पीड से चले हैं,
very reasonable, and I think the whole of the budget has been covered. Of course, entry cases will again come out in some time. More entry cases will come out. So, abhi padhenge ek section aur hoga. Bandhu Gurupad Padam par ek chopai hai sir. Bandhu Gurupad Padam paraga. Suruchi Subhas Saras Anuraga. उस प्रभु की कृपा रामचंद्र जी के चरणों की कृपा हम सब पे बनी रहे और हम सब अच्छे रहे और अपना काम करते रहे सर और मेरे को आपका आशीर्वाद इसी मात्रा में ऐसा ऐसा मिलता रहे आई विल बी रियली सर योर मॉडेस्टी आपने बहुत हम्बलनेस से सब कुछ कह दिया राजेश भाई एनीवे धन्यवाद कपिल भाई क्वेश्चन दो चार पांच क्वेश्चन लिमिट जल्दी 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 पर जल्दी जल्दी वही मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ एक तो पांच क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी जो कि आपके उसमें भी हैं सर क्वेश्चन आंसर आप लोगे मैं नहीं देखूंगा ठीक है विवेक कांत गुप्ता जी पूछ रहे हैं 5% इज ओनली ऑन रिसीट एंड नॉट ऑन एक्सपेंडिचर सर वो उसमें 44 AD का पूछ रहे हैं ना सर वो जी 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 44 AD का 5% पूछ रहे हैं ना दादा जी जी 5% हो गए दमिजा जी समझ में नहीं आता कई बार सॉरी लिखा हुआ रिसीट का ही है ओनली रिसीट का लिखा हुआ है ये कौन बोला सर अभी कौन बोला सर दीपक भैया साहब वेरी गुड वेरी गुड दीपक भाई बिल्कुल सही बोला लिखा हुआ है पर भी दीपक भाई देखिए क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना बड़ा जरूरी है उसमें एक्सपेंडिचर है ही नहीं है 5% रिसीट का इनकमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन एनोनिमस अटेंडी है What will be the position of clients directly deposit cash in seller account, particularly in case of doctors giving online consultancy and patient depositing consultancy fees in cash? Yeah, question. So, आप ही के मुखारबिंद से आया था. मुखारबिंद आपको मुखारबिंद पता मुखारबिंद आपका ही था ना कि गोल साहब वो क्या होता है RTGS, UPI, गाना ढिमकुना. तो मेरे जो और ये ज्ञान आप ही ने मुझे दिया था अभी कि मतलब कि गोल साहब वो कैश नहीं होगा वो अकाउंट पे ही होगा और वो इंक्लूड होगा सर मैं उसको राधे राधे कर चुका हूँ कि वो कैश नहीं हुआ सी अल्टीमेट पॉइंट क्या है ट्रेल सेंस देखना पड़ेगा अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं पेडेंटिक सेंस से कि नहीं उनका पर्पस ये है सर कि ज्यादा लोग इससे बाहर रहे और ज्यादा लोगों को 3 crore का बेनिफिट ना मिले तो सर ये आई डोंट नो वी विल डू इनजस्टिस टू द प्रोविजन मेरे ये बात समझ में आई इसीलिए सेंसफुल तरीके से समझना पड़ेगा सर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एरेसी राव जी का In appeal before CIT, appeal under faceless assessment. एक सेकंड राजेश भाई ये जो पूछ रहे विवेक कांत गुप्ता जी आई एम सॉरी ये विवाद प्लस टू इनकम टैक्स का तो कोई विवाद से विश्वास नहीं है Is there any विवाद से विश्वास in income tax finance bill में ना 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 विवाद टू विवाद आ गया ना विवाद से विश्वास से विवाद जो टू आया ना नया बुक कंट्री दूसरे एक्ट के लिए अदर देन इनकम टैक्स हां सर मैंने सोचा मैं फाइनेंस बिल आपने पूछा लर्नेड क्वेश्चन है बड़ा एरुडाइट क्वेश्चन है आई विल हमली आंसर इट सेक्शन 250 है सबसेक्शन 6B है उसमें रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट दी हुई है जो टाइम लिमिट एक गहने की तरह बनी हुई आज भी कि विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर आप जब अपील फाइल कर देते हैं तब ऑर्डर आ जाना चाहिए उसमें लिखा है एंडेवियर करेगा ऑफिसर बट ये हो नहीं रहा है चेंज नहीं हुआ कोई right. राजेश भाई जी सर जैसे कई बार हम अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन लगाते हैं और हमें कोई स्टेचुटरी प्रोविजन वीरेंद्र जी साइड करना होता है कि साहब हमारा केस तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सेमिनार्स में आपको दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि सेक्शन 250 में ये रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव इंटेंट है कि कानून मेकर चाहते हैं कि जो भी अपील आप फाइल कर रहे हैं वो उसके फाइल करने के 1 साल के अंदर उसका निर्णय हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन साहिब सत्संगी जी पूछ रहे हैं पर मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं है ये आगरा से हमारे दोस्त बोली क्वेश्चन नहीं है बल्कि इन्होंने ये एडवाइस है थोड़ी सी या वो है प्लीज नोट दैट इट इज प्रपोज्ड दैट द प्रोविजो टू सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू सच पेमेंट्स मीनिंग देयर बाई दीज एक्सपेंसेस अकाउंटेड और ऑन एक्रुअल बेसिस एट द एंड ऑफ द ईयर वुड बी ओनली अलाउड इफ पेमेंट मेड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड That is 15 days or 45 days as the case may be, and not is the subsequent year when actually paid. ठीक है? दादा राजेश भाई देखिए मैं एक फिर बोलूँगा हम कपिल हम चाहते हैं कि हम लिटिगेशन की तरफ जाएं तो हमारा जबरदस्ती लिटिगेशन की तरफ धकेले अपने आप को तो एक अलग तरीका है बात करने का
और एक हमारा तरीका है जो हमें बड़े लोगों ने सिखाया था कि दो स्टेज होती है बात करने की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक पोस्टमार्टम स्टेज। हम प्रिवेंटिव स्टेज में तो हमें बड़ों ने सिखाया कि हम कंजर्वेटिव व्यू लेकर चलते हैं। यस यस, हम बहुत एग्रेसिव व्यू लेकर नहीं चलते। ये मैंने नहीं बनाया, ये मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया है, तो मैं वही बात इनको अपने दोस्त को बोलूंगा, ये मेरे से बहुत बड़े हैं, कि साहब आप लेजिस्लेटिव इंटेंट पढ़ ले, उनका मकसद क्या है उसके हिसाब से काम करें। अगर आपको हमारे जैसे वकीलों के पास या लिटिगेशन में नहीं जाना है और लिटिगेशन की यात्रा नहीं करनी है, बस। चलो, एनी क्वेश्चन फ्रॉम आवर पैनलिस्ट साइड, क्योंकि अटेंडी की। हाँ राजेश भाई, एक ऑब्जर्वेशन मैं देना चाहूंगा कि इस पूरे बजट में हमने इनकम टैक्स के बारे में बात करी, बट एक सोशल एस्पेक्ट इस पे मुझे लगता है बहुत बड़ा मिसिंग हो गया बजट में। कि गोयल साहब आप बाद में आए थे, मैंने बोला था शुरू में सर जी, तो उसमें क्या हुआ कि जो आज हम नए रेजिम में आ गए बाय डिफॉल्ट, राइट। पुराने में ये था कि एक ड्राइविंग फोर्स होती है सेविंग्स के लिए, अपने देश में आज कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बाय फोर्स जो हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि हम सब नए टैक्स रेजिम में जाएंगे, तो वहां पर पीपीएफ में एलआईसी में इंसेंटिव जो था, वो जो एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में था, वो सब खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये वीरेंद्र भाई मैं सही समझ रहा हूँ कि मिस्टर गोयल की जो इंसेंटिवाइजेशन सोशल सिक्योरिटी के लिए नॉर्मल रेजिम में रहता था, वो इससे कहीं ना कहीं डिसइंसेंटिवाइज होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई स्ट्रांगली बिलीव सो, और ये लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेगा जा करके। ये सर क्या है, देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो मतलब इट्स लाइक दिस कि दैट when you want to have a that kind of a thing ना, कि साहब आपको जैसे किसी को पालकी वाला साहब बोलते थे जब बजट स्पीच देते थे, मैं उनको कोट करूंगा, कि जब आपको किसी चीज को दिखाना है कि साहब हमें ऐसे ही करना है, तो उसके दिखाने के मार्क्स अलग हैं और उसके इंट्रिंसिक मार्क्स अलग होते हैं। आप जो बात बोल रहे हैं शायद वो कोर चार्टेड अकाउंटेंट वाली बात बोल रहे हैं। That is how we like humbly say it. सर सरिया जी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। गोयल साहब नमस्कार। हाँ सर, राम राम सर, राम राम सरिया जी, राम राम। मैं ये कह रहा था कि जो 2 करोड़ से 3 करोड़ लिमिट करी इन्होंने उसमें जी, तो उसमें ये कह रहे हैं कि 5% से ज्यादा कैसे नहीं होना चाहिए रिसीट में, यही कह रहे हैं ना? राइट सर, यही कह रहे हैं सर। तो 5% से ज्यादा होगा इसका मतलब वो आउट हो जाएगा, 2 करोड़ की टर्नओवर है उसकी, कैश में सारी इनकम है, तो वो उसको क्या कंपलसरी ऑडिट करानी पड़ेगी? बिल्कुल सर, आपने खुद ही उत्तर दे दिया, इट्स अ बढ़िया। आप सर यही तो कमाल, प्रिज्म टीम में बेनिफिट क्या मिला, ये तो नेगेटिव हो गया प्रिज्म टीम में। देखिए मैं पॉलिसी मेकर तो नहीं हूं, मैं यही सोच रहा था। और आप मेरे से तो कितना और बुलाई, मेरे को अभी राजेश भाई ने ऐसा कर दिया है कि मैं अपनी ओपन बात कह देता हूँ, मुझे डर लगता है कई बार देता हूँ कि मेरी आदत भी है कि मैं आई कांट रिडैक्ट माई सेल्फ, बट एनी हाउस आई विल से यू कि दैट सी व्हाटएवर इज देयर इट्स अ पॉलिसी मेकिंग। देखो सुप्रीम कोर्ट सेज, अभी जब डिमोनेटाइजेशन का 5 जज बेंच का फैसला आया, वो कह रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए सारा लैटिट्यूड गवर्नमेंट के पास है, जनरली संविधान में या किसी भी चीज में हम उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो आप वी हैव टू लिव विद दैट। इसका मतलब तो फिर तो 1.5 करोड़ वाले को भी ऑडिट करानी पड़ेगी, क्योंकि तो छोटे व्हाटएवर सी आप उसके मेरिट्स पे, आप उसके उस पे जा रहे हैं माइक्रो सेंस में, मैं उसकी मैक्रो सेंस में जा रहा हूँ। बात कहने का हमारा कंक्लूजन पॉइंट वही है, बट मैं मैक्रो सेंस से देख रहा हूँ, दादा आप माइक्रो सेंस से देख रहे हैं, बट बात का दोनों का भाव। नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि छोटे दुकानदार के पास तो आता ही कैश है सबके पास, तो दुकान खोल के बैठा ना। फिर मैंने जब शुरू में चालू किया था, आपने सुना देगा, मैंने कहा जी हर एक आदमी का पर्सपेक्टिव बजट को पढ़ने का यही होता है, जैसे हम कि मेरी पॉकेट में मेरे लिए क्या हुआ, जैसे वीरेंद्र भाई आदमी बोल रहा है कि सोशल फैक्टर से देख रहा है, एक आदमी इकोनॉमिक फैक्टर से देख रहा है, एक बड़ा व्यापारी देख रहा है जो बहुत बड़ा आदमी है जो को बहुत है, और एक बहुत वो देख रहा है जो बड़ा मिडिल क्लास से भी नीचे है जिसको मुश्किल से बिजनेस करके काम करना है। तो सर सबके लिए पर्सपेक्टिव अलग अलग है। यू आर राइट मिस्टर that these changes can sometimes operate in a regressive manner also, that is bound, that is why palki wala used to say when he used to give budget we all follow him, admire him, that any legislative change should be backed by proper introspection and thinking, it should not be done at the drop cusp of the t in view of humility. If I correctly remember, this was written by palki wala in his all lecture, that is the big bad. Chalo, thank you, thank sir. thank you Kapil bhai. Now I request Rajiv Kohli ji for a concluding marks and vote of thanks, sir. Over to Kohli, sir. Thank you, Kapil ji, for giving a very good bird's eye view on the very first day on the finance bill.
the new concepts of Joint Commissioner of Appeals, electronic gold receipts, 10D, and by gaming section of 30%, and the perk value and changes in the capital gains taxations are among the major things going to happen, and lots of litigation will be taking place. So, usko dekhe, please visualize and things, how many amendments also take place. And thank you very much, such an elaborate and a comprehensive view on the very first thing. Thank you very much, sir. कल फिर भी सर सबको ज्वाइन करना है हमें 6 बजे. ठीक है जी, बिल्कुल करेंगे. ठीक है सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू.